ये सब कहाँ हैं? आप आपकी जगह यहाँ पर जाओ यहाँ पर नीचे यार आप उधर मैडम आइए प्लीज कल्पना जी आइए मैडम आइए मैडम आइए कल्पना जी तो दिखती नहीं है ना एक सभी के साथ नहीं बताओ तो बीच में आ रहा हूँ आप आ जाओ बीच में कोई दिक्कत नहीं है आप दोनों आ जाओ हाँ 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 Thank you.
मैं जलियां वाला बाग हूँ, विप्लव राग की सख्त स्वरी विद्रोही वेदी की आग हूँ, अपनों के शव से दबती बहनों का उजड़ा विभाग हूँ, सेना के भूतों से उछले शिशु पुष्पों क्रांति क्षेत्र शोणित सिंचित मैं जलियां वाला बाग हूँ, महायुद्ध में फिरंगियों के साथियों का मोह त्याग हूँ, तथा कथित उस सभ्य विकानी सूर्य में काला दाग राष्ट्र भाव से भरे हुए हर क्रांति दर्शी का दिमाग हूँ, राष्ट्र प्रेम के वासंतिक उस सब का रक्षी उपाग हूँ, क्रांति क्षेत्र शौणित सिंचित मैं जलिया वाला बाग हूँ। जलिया वाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन निर्दोषों के खून से रंगी वह भयावह घटना जो ब्रिटिश भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अत्यधिक प्रभावित किया और जिसके बाद ब्रिटिश हुकूमत के अंत की शुरुआत हुई। देश को उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी मिले और भगत सिंह जैसे कई युवाओं के दिलों में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। इस घटना से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया मोड़ आया। इसी महत्वपूर्ण घटना को याद करने और शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने हेतु विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय द्वारा आयोजित विमर्श UCSSH ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डायलॉग सीरीज आप सभी का स्वागत स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे आदरणीय माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी कर रहे हैं। आज के विमर्श के वक्ता विख्यात इतिहासकार एवं प्रतिष्ठित शिक्षाविद डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी हैं। आप महानुभावों के आगमन हम सभी प्रोत्साहित हैं और आप श्री के अभिनंदन एवं स्वागत हेतु उत्सुक भी। मैं महाविद्यालय की अधिष्ठाता आदरणीय प्रोफेसर सीमा मलिक मैडम एवं सह अधिष्ठाता प्रोफेसर जिनेन्द्र जैन सर से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय कुलपति महोदय को पगड़ी शॉल एवं उपरणा को लाकर अभिनंदन करें एवं प्रोफेसर राजपूत जी से भी मेरा निवेदन है कि वे कुलपति महोदय के अभिनंदन हेतु श्रद्धा दें। Thank you.
आज के हमारे वक्ता आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा सर के स्वागत एवं अभिनंदन हेतु मैं माननीय कुलपति महोदय एवं मंचा सिंह समस्त विद्वजनों से आग्रह करती हूँ कि सर का भी शॉल पगड़ी एवं परमा ओढ़ाकर स्वागत राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इस कार्यक्रम के आरंभ में माननीय कुलपति महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि वह संविधान की उद्देशिका एवं कर्तव्यों का पाठ हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार विश्वास और उपासना की प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उस समय व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बढ़ाने के लिए इस संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी शुक्ला सप्तमी 2006 द्वारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्र और राष्ट्रगान का पालन करे। तो गंगा के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को समझे रखे और उसका पालन करें। भारत की कर्ता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अखुल देश की रक्षा करे और आह्वान पे जाने वाले राष्ट्र की सेवा करे। पांच, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी भावना का प्रचार करे जो स्त्रियों के सम्मान के लिए हमारी सामाजिक संस्कृति की बहुत सारी परंपरा का बहुत संदेश और उसका संरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतर्गत वन खेत नदी और वन्य जीव है रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणवाद के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानपुर तथा सुधार की भावना का विकास करे और सागरों की संपर्क को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। दस, व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में दस की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को यदि माता पिता संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आय वाले बालक या बाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। कृपया
धन्यवाद अतिथि देवगण आप पर है अर्पित भाव सुमन का हार तुलना से हृदय और स्नेह संचित शब्दों से मान्यवर स्वागत करें स्वीकार मैं आदरणीय अधिष्ठाता महोदया मैडम सीमा मलिक जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अतिथियों के स्वागत में शब्द सुमन सुमंत्रित कर समर्पित Today's esteemed speaker and eminent historian, Dr. Chandrasekhar Sharma ji, Associate Dean, Professor Dinesh Jainji, ASW Neha Bhagwan ji, Professor Dr. Rajput ji, Head of the Departments, Faculty members, and dear students and scholars. Who are present here and who have joined on behalf of University College of Social Sciences and Humanities, I welcome you all to the UCSSH dialogue series that was initially online, and this is the first time that we are organizing it in a hybrid mode. The aim is to initiate and create awareness about significant socio-critical and contemporary aspects to a meaningful discourse. Over a couple of months, we have addressed issues like National Education Policy 2020, Constitution Day, National Youth Day, etc. And in line with this, today, we are here to commemorate the 102nd anniversary of the Jaliyaan massacre tragedy that happened on April 13, 1919. Tomorrow being the holiday, we have actually conducted it today. The pattern of violence of Jaliyaan Baagh 1919 still reverberates, and the history of India, Jaliyaan Baagh still stands in danger. Amritsar, whenever you visit Amritsar, go there and you can feel it. It resonates, it reverberates with the carnage, the bullets, the echo of the wounded, and the helplessness of the dead. Here, just to go there, you will have goosebumps. The capability, wounded, collective consciousness, suddenly organizes, comes alive. The narrow, crowded gates for exit, the brimming well in process. The bullet-hit walls. In fact, General Dyer ordered to target and to concentrate the bullets and their fire on the masses that had collected at the narrow basis. History just talks of numbers, how many died and how many got wounded. But how many were impacted because of the general whatever? How their lives got punctuated? It can never be matched by history. And then Jaliyaan Baagh massacre cannot be analyzed and understood in isolation. We need to go to the depth as to what went before it, what were the causes, and what was the aftermath, how it changed the course of our freedom struggle. Recently, I came across V.N. Dutta's book, which was initially published in 1969, entitled Jaliyaan Baagh. And it is now being reprinted by Belgium. It explores the massacre, Jaliyaan Baagh massacre, from a local perspective and foregrounds the interspecies. Jo cheeze batai nahi jati hain aam taur se itihas mein, un cheezo ko unhone baat karne ki koshish ki hai, this will be published in 2021. And it has been mentioned there that Rabindranath Tagore renounced his knighthood after the Jaliyaan Baagh massacre. And he said, the time has come when badges of honor make our shame glaring. And I, for my part, wish to stand shorn of all special distinctions by my countrymen. Similarly, Gandhiji, he could not remain mortal any longer post Jaliyaan Baagh. He returned his castle in the gold medal, the silver medal, and he said, the
punitive measures taken by General Dyer have estranged me completely from the present government. I think here I would also like to mention one that he said that if he has to say that he gets the prospect of maybe about the right here. This is our chamber में ही बात कर रहे थे और बहुत ही सही बात उन्होंने कही कि ऐसे बहुत से अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, खासतौर से हमारे व्यवहार के वो लोग जिन्होंने इतना बलिदान दिया, अलग अलग तरह के अपने अपना सोसाइटी में पॉलिटिक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगी कि मानगढ़ इज नोन एज द जलियांवाला बाग ऑफ राजस्थान, बट हिस्ट्री का कुछ इस तरह का नेचर है दैट इट इज नॉट एन इंसिडेंट फैक्टर, इट इज अ डिजाइन। उस पर डिपेंड करता है episodes and incidents that happened which have not received due attention, but उनमें से एक है मानगढ़ का। और इसी तरह से हमें इतिहास को जो सही लोग हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती है, जो अनसंग हीरोज हैं, उनको पोर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। और आज हमारे किसी साहब ने ये बात बहुत अच्छे से हमको डिस्कस किया, हमें बताया और हम इस दिशा में कुछ जरूर जल्दी करेंगे। इसके साथ साथ मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि स्पीकर आज हमारे शेखर जी हैं यहाँ पर। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पर सिर्फ हमारे भाई का दैट ये प्रोग्राम बहुत सडनली बना बिकॉज वी थॉट बिकॉज ऑफ कोविड वी विल नॉट बी हैविंग इट ऑफलाइन, बट इसमें मैं सबसे पहले तो अपने सभी सहयोगियों का, सभी कलीग्स का, अपने मिनिस्ट्रल स्टाफ का, कर्मचारियों का, सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कल एक बार था उसके बावजूद वो लोग सब आए और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से हर चीज को किया और इसको आज इस शेप में हम इस तरह का आपको देख रहे हैं। और इसमें विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे जैन साहब का, स्टेट ऑफिस के जो हमारे ऑफिसर है उन्होंने बहुत द्रुत गति से काम किया, अगर तो उन्होंने ये सारा कार्य किया तो इसलिए विशेष तौर से उनका धन्यवाद। मेरे सभी सहयोगियों का, रमेश जी का, धनराज जी का और जैन साहब का, नेहा जी का, राशन जी का, सभी का जिनका नाम नहीं मिल पा रही उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि वैसे अगर एक बार कह देती हूँ कि आपको ये करना है तो इतना उनका प्रोफेशनल सपोर्ट मिलता है मेरे को कि मुझे वापस मैं कल नहीं आई, सिर्फ फोन की बात होती थी अभी कार्यक्रम हो गया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी मुझे आपका इसी तरह से सहयोग मिलता है। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am, for your warm welcome words and throwing light on the historical facts of the event. In Qatar, प्रयासों को छोड़ो, मैं घुरेली का हिस्सा हूँ, बुखार मगर काफी का हूँ, मैं जलियांवाला हिस्सा हूँ। नस नस में लावा बहने की ये विभिन्न सुरंगों की बातें, शत में शत बिखरे रक्त सने अपनों के अंगों की बातें, फूलों के कुचले जानू जाने की गुंजों की मसले जाने, कुछ लोग को और कुचलने की, गिरतों को और गिराने की, अंतिम निर्णय का शंखनाद, मैं विद्रोहियों का हिस्सा हूँ, मैं मतवालों की मस्ती हूँ, मैं जलियांवाला हिस्सा हूँ। अमित जैन मौर्य की जलियांवाला बाग पर लिखी ये कविता जितनी रोंगटे खड़े करने वाली है उससे कहीं अधिक दुर्दांत किंतु प्रेरणादायी पहलू इस घटना से जुड़े हैं, जिन पर प्रकाश डालने और उसमें छिपे संदेश को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आज के वक्ता विख्यात इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा सर। महाराणा प्रताप पर विद्या वाचस्पति की प्रथम डिग्री प्राप्त करने का सौभाग्य आपको प्राप्त है, तथा आपकी पुस्तक के आधार पर राजस्थान, हरियाणा एवं पंजाब के विद्यालयी पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप संबंधी इतिहास में सकारात्मक परिवर्तन का श्रेय भी आप ही को जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित 25 से अधिक शोध पत्रों के साथ राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप, युगंधर प्रताप, पायोनियर ऑफ द नेशनल फ्रीडम, अध्यापक वल्लभाचार्य का शिक्षा दर्शन, दो भागों में भारतीय इतिहास, हिंदू एवं
साल तक तथा 17वीं सदी में मेवाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन आपके द्वारा किया गया है। साथ ही एपिपॉजिटर हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया का अनुवाद भी आपके द्वारा किया गया है। भारत सरकार की संसदीय सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान माला में प्रताप एवं राष्ट्रीय एकता पर आप मुख्य वक्ता के रूप में आपने भाग लिया है। अध्यापन कार्य में आपको 22 वर्षों का अगाध अनुभव है तथा वर्तमान में राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय के इतिहास विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप महाराणा प्रताप स्मारक समिति उदयपुर के मानद सदस्य भी हैं। आप राष्ट्रीय स्तर की ख्यातमान संस्थाओं से सम्मान प्राप्त हैं तथा अकादमिक जगत को आपके ऐसे कई योगदानों का लाभ प्राप्त है। समयाभाव में मैं आपके इसी संक्षिप्त परिचय के साथ आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड एक कालजयी सीमा विषय पर व्याख्यान देने हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। माँ भारती के चरणों में प्रणाम करता हुआ आपने विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हुआ माननीय इस विश्वविद्यालय के यशस्वी वैष्णव महोदय माननीय अंबिका सिंह जी का प्रतिष्ठाता महोदय श्रीमती मेहनत को प्रणाम करता हुआ जो अवसर मुझे याद दिया है उस अवसर के प्रति एक अहोभाव एटीट्यूड आज का जो वक्तव्य है वो मैं आपके आगे से देने जा रहा हूं। क्योंकि एक परंपरा थी बायोलॉजी की मैंने दे दिया लेकिन मैं इतना जरूर आज के दिन अपना बायोलॉजी देना चाहूंगा कि मैं खुद अमृतसर गया हूं और जलियांवाला के बाग में 3 दिन तक लगातार जाने के मांगे मिट्टी को छूता रहा हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि जलियांवाला को ठीक करके आया हूं इसलिए ये मेरा एक बायोडाटा आज के लिए शायद उपयोगी है और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे बहुत से लोग भी गए होंगे और अगर नहीं भी गए हैं तो मेरा अनुरोध है कि क्योंकि हम जाए क्योंकि इसको इतिहास में एक घटना के रूप में एक स्टोरी के रूप में ऐसा हाशिए पर डाल दिया गया इतना हाशिए पर डाल दिया गया इसको और वो हाशिया घिसकता इतना छोटा हो गया कि आज इतिहास में इस घटना को सिर्फ एक छोटी सी 2 मिनट के लिए इसकी टीचिंग होती है और इससे आगे इतिहास आगे बढ़ जाता है। जबकि आप देखिए मेरा मानना है इतिहास का अकेला थे कि भारत का इतिहास जो था और आज भी जलियांवाला बाग की जो गुप्त सनी हुई मिट्टी के अंदर रुका पड़ा है उसको पढ़ने की जरूरत है। आप देखिए लगातार मतलब की भारत की सदियों को उस जलियांवाला बाग की मिट्टी जो रक्त से सनी हुई प्रभावित किया और नियोजन उन विदेशी जातियों का था जो हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आए थे हमारा नाम लाने के लिए आए थे और उस नियोजन के तहत एक शब्द के रूप में इतिहास भी काम आया उनकी शिक्षा भी एक शब्द के रूप में यहाँ पर लागू की। इसी साहब ने कहा था कि उस दृष्टि से व्यवहार के इस बड़े विश्वविद्यालय का जो है सिलेबस है उस सिलेबस में भी कुछ हम लोग कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि आज आपकी जो प्रेरणापूर्ण वाक्य थे शायद इससे बड़ा जलियांवाला दिवस मनाने का कोई दूसरा सबब नहीं हो सकता है जो इशारा आपने रखे। मैं आपकी उन चीजों से बड़ा अभिभूत हूँ उसको लेकर के एक शहर जो है वो मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा उड़ देना। विजी साहब मैं यही का स्टूडेंट रहा एक नागरिक भी हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आपके आने की बात है
जिस तरह से विश्वविद्यालय के जो कार्य हो रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही माननीय अरिष्ठा महोदय शिवाजी गणित साहब का भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि उनका भी शुरू से जो एक ग्राफ रहा है वो ग्राफ ऐसा रहा है कि हर चीज को उसके मौलिक ढंग से स्वीकार करना और उसके साथ ही उसकी नैसर्गिकता, वो नैसर्गिकता जैसी भी है, उनका एक मिलावटी पर पसंद नहीं है, तो ये सबसे बड़ी जो उनकी जो मौलिकता है और उस मौलिकता के साथ में जो उनकी उसको जो ग्लोरी देने की जो प्रवृत्ति है। और मैं देख रहा हूँ कि लगातार सेमिनारों के माध्यम से ऐसे ऐसे विषय जो सेमिनार के थे जिनको कभी छुआ नहीं गया था, जिनको माइक्रोलॉजिकल एज का संदर्भ करके हाशिए पर डाल दिए गए, जैसे इतिहास में जलिया वाला बाग को डाल दिया गया, जैसे साहित्य में भी इसी को सीख दे दी, हमारे जो ओरिजिनल टेक्स्ट है रामायण महाभारत जिससे हमारा आत्म का जीवन संचालित है, भगवद गीता, उन चीजों के ऊपर डिस्कोर्समेंट रख करके आपने मतलब की इस विश्वविद्यालय के गौरव को बढ़ाया है। इस समय पर इस मौके पर जलिया वाला बाग को याद कर रहा हूँ, तो चूंकि वहां पर आहुतियां दी गई थी, किसी ने रक्त की आहुति दी, कोई उन्हें ज्ञान की आहुति देता है, उस रूप में मैं आपको वंदन करता हूँ। आपके लिए एक शेर जरूर पढ़ूंगा कि आपको पसंद है, ये खामोशी जो आपके गुफ्तगू के बीच ठहरी, ये खामोशी जो अपनी गुफ्तगू के बीच ठहरी है, यही एक बार सारी गुफ्तगू में गहरी, ये मैं के संदर्भ में भी कभी भी अपने आप को विज्ञापित नहीं करती। दूसरा इतिहास के संदर्भ में भी ये बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर बाघ आगे साहब को मैं कोट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि जो अक्सर जो लाइनें छपती है वे वो छपी हुई लाइन नहीं पढ़ता, उन लाइनों के बीच में जो गेम है उस गेम को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और शायद मैं मानता हूँ कि हमारे इतिहास के साथ में जो विषय साहब आज इशारा कर रहे थे, मैंने प्रथा पर काम किया और ये पाया वाकई में जो लिखा गया था उस लिखने के अंदर जो दो लाइनों के बीच का जो गेम है उसको पढ़ने की कोशिश कभी भी हमारे इतिहासकारों ने नहीं की, इसीलिए आज हमारी जो है हमारे स्वाभिमान की जो दुर्दशा है वो इस तरह से हमारे इतिहास के माध्यम से हमारी शिक्षा के माध्यम से हो रही है। इसलिए आज की जो प्रासंगिकता है इस दिवस को मनाने की वो और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है कि आज देश में मोहनदास पांडे विश्वविद्यालय में वो जो अमर ज्योत वहां पर जल रही है, जलियांवाला बाग में अमर ज्योत जली है, उस अमर ज्योत की एक वाचिक परंपरा में सोचता हूँ कि आज आपने यहाँ पर जलाने का प्रयास किया है, इसके लिए पूरा विश्वविद्यालय और एनडीआई टीम की तरफ पूरी बधाई की बात है। अब मैं अपनी बात शुरू करूंगा, उसके पहले मैं आपको छोटी समय थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो है, लेकिन इस विषय पर बोलने के लिए थोड़ा समय मैं आपसे मांग लूंगा। मेरा नाम भी नहीं जलियांवाला बाग के नाम पे आप मुझे दे देना, हम 5 घंटे क्रिकेट का मैच भी देख लेते हैं, 3 घंटे फिल्म भी देख लेते हैं, तो क्या हम जिस हवाओं में सांस ले रहे हैं उसके लिए अगर 15 मिनट ज्यादा हो जाए तो मुझे आप क्षमा कर देना, क्योंकि मैं चाहूंगा कि ये समय है जो हम वैसे ही खर्च कर देते हैं, क्योंकि हम नौकरियां ढूंढने का जो काम आजकल करते हैं, उन लोगों ने मौत ढूंढने का काम किया था, वो मौत ढूंढते फिरते थे कि कहां इस मौके पर हमारी मौत हमें कहने लग जाएगी, और हम नौकरियां ढूंढने का काम करते हैं, तो क्या 8 मिनट 10 मिनट का भी अगर थोड़ा सा लगे तो उस खाते में डाल देना, ये मैं आपसे गुजारिश करता हुआ बात करूंगा। और ये बात कही गई है और आपको इस आह्वान के साथ में जो मेरे युवा साथी है, मेरे भाई बहन है, कि उनको ये मंजर शब्दार्थ देखने के लिए, उनको ये मंजर शब्दार्थ देखने के लिए कि नींद शब्द नहीं ख्वाब देखने के लिए, नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए, अगर विश्व का संदर्भ लिया जाए उस समय अगर पूरे विश्व को संदर्भित किया जाए तो आप देखें कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो पूरे विश्व का एक परिदृश्य था, उस पूरे परिदृश्य में हम देखते हैं कि एक उपनिवेश और शोषण की एक ऐसी अमर परंपरा जो थी वो सब तरफ चल पड़ी थी, और उस प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था उसमें भी इन चीजों को किस तरह से उपनिवेश के माध्यम से देशों का शोषण किया जाए, उस शोषण की परंपरा को कैसे अमर बनाया जाए उसी पर चर्चा की गई थी, और उसी चर्चा का परिणाम था कि पूरे विश्व में एक राष्ट्रवाद की जो लहर थी वो राष्ट्रवाद की लहर हमें पूरे विश्व में देखने को मिलती है, क्योंकि मेरे नए बच्चे हैं उनको बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में उस समय राष्ट्र
की लहर हमें देखने को मिलती है, चाहे वो फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, चाहे चीन हो, चाहे कोरिया हो, बर्मा हो, ईरान हो, मलाया हो, चाहे भारत। तो ये विश्व का एक परिदृश्य था। और उसके साथ ही यदि हम राष्ट्र के संदर्भ में उसको देखें, तो राष्ट्र के संदर्भ में हम देखें तो युद्ध के बाद में आप देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों की सेना की रूप में अपनी शहादतें दी थी। और ये शहादतें इस अपेक्षा के साथ में दी थी कि जब प्रथम विश्व युद्ध में ये समाप्त हो जाएगा उसके बाद में हमारे देश को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। उस प्रथम विश्व युद्ध की शहादतों में भी हमारे भारतवासियों की वो अपेक्षात्मक चेतना काम कर रही थी कि हमें मुक्ति मिल जाएगी और हमें एक उदारता का वातावरण मिलेगा। लेकिन जब पेरिस शांति सम्मेलन में भी इस तरह की चीजें नहीं हुई तो उस समय भारत के अंदर एक आर्थिक मंदी आई, एक जो सामाजिक विषमता पैदा हुई, उद्योग, दस्तकार, शिल्प का नशा और सैनिक, भारत का हर वर्ग जो था वो उस अंग्रेजों के शोषण से पूरा अखंड बन चुका था। और शिक्षित शहरी वर्ग जो बेरोजगारी की चपेट में रहा वह अंग्रेजों की नस्लवाद विश्वव्यापी साम्राज्यवाद से राष्ट्रवादियों का मोह भंग हुआ। ये पहली बात थी कि जहां पर एक मोह भंग हुआ है उन राष्ट्रवादियों का, क्योंकि वो सोचते थे कि हमें इनकी कृपा से हमारा स्वराज मिलेगा, हमें इनकी कृपा से हमारे को स्वतंत्रता मिलेगी। ये उनका एक मोह था। और इस मोह का जो कलेवर है मैं आपको इस मंच से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उस मोह का कलेवर हम देखते हैं कि लंबे समय तक भारत का जो एक स्वतंत्रता का जो आंदोलन चला है उसके अंदर एक धारा बही थी और उस धारा ने अंग्रेजों को सपोर्ट करके ये माना था कि हम की दया से हम इनकी भीख से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। और उसके अनुसार राष्ट्रवाद के नाम पर जिनको की उग्रवाद तक कहा गया, उनको उग्रवाद का नाम दिया गया, उनको गरम दल कहा गया, और किस तरह से उन्होंने आगे जाकर के इस देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि अहिंसा का योगदान सर्वोपरि है, लेकिन उसके साथ ही अहिंसा तभी पूरी जाती है जब उसके पीछे हिंसा का जोर होता है। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि क्षमा स्वरूपति उस दुर्योधन को जिसके पास गलत। तो ये आजादी का जो इतिहास है वो इन पंक्तियों में सिमटा पड़ा है। आप देखें कि उस समय का एक विश्व के परिदृश्य पर रूस की क्रांति हो चुकी थी 1917 की। उस रूस की क्रांति ने जो था जारशाही को समाप्त कर दिया था, उसका शोषण समाप्त हो गया था और जल शक्ति की श्रेष्ठता कायम हुई थी। और ये जो रूसी क्रांति थी इसने पूरे विश्व के अंदर जल शक्ति क्या होती है इसे जल शक्ति की मर्यादा को अंकित कर दिया था। और उसी के तले हर देश में राष्ट्रवाद की जो भावना है पनपने लगी। आप भारत में देखिए मॉन्टेस्क्यू जेम्स फोर्ड सुधार आया 1919, गांधी जी का अभ्युदय हुआ, अहिंसात्मक प्रतिरोध का सत्याग्रह का काल, चंपारण सत्याग्रह, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल हड़ताल, इस तरह की सारी हड़तालें जो थी ये इसके परिप्रेक्ष्य में थी। इसीलिए यहाँ पर कवि प्रदीप ने जलियांवाला के लिए गीत गाया था जिन्हें भारत दिया गया था और लिखा था ये है ये देखें ये जलियांवाला यहाँ चली थी गोलियां, ये देखें ये जलियांवाला यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां, एक तरफ बंदूक के दंदन एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की गोलियां। ये अमर पंक्तियां है कि प्रदीप को अगर आज याद नहीं किया गया तो शायद उतनी होती हो जाएगी। संदर्भ अब हम चूंकि पंजाब का संदर्भ लेना चाहूंगा, विश्व संदर्भ मैंने बताया, राष्ट्र का संदर्भ मैंने बताया, पंजाब में क्या हो रहा था, क्योंकि पंजाब एक सबसे अच्छा वो प्रांत है जहां पर हर विदेशी को आया,
जैसा कि किसी साहब चर्चा कर रहे थे कि उत्तर पश्चिम की सीमा से जितनी भी जातियां आई वो सबसे पहले कहां पर आई थी, तो वो हिमालय की तरफ से उत्तर पश्चिम की सीमा से होती हुई सिंध और पंजाब को होती हुई पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़ी है। तो पंजाब हमारा देश का एक सेंटर पॉइंट रहा है, जहां पर चूंकि वहां की प्रॉस्पेरिटी भी इतनी थी, पांच नदियां वहां बहती है, वहां की समतल भूमि, कृषि उपजाऊ भूमि, ये सारा मिलकर के पंजाब जो था वो सबसे सेंटर पॉइंट रहा है हमारी आर्थिक दृष्टि से, हमारी सांस्कृतिक दृष्टि से, हमारी राजनीतिक दृष्टि से, हर दृष्टि से जो पंजाब है वो पंजाब जो है बड़ा संवेदनात्मक जो है स्थान रहा है, क्योंकि वहां पर किसने अधिकार किया है। हम देखते हैं कि चाणक्य और चंद्रगुप्त क्या उसका भी हुआ, देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने पंजाब पर अधिकार किया था कि किस तरह से, मतलब कि अगर पूरे हिंदुस्तान को कब्जे में लेना है तो ये सारी चीजें पंजाब का महत्व अपने आप में है, पंजाबी लोगों की मस्ती का महत्व अपने आप में है। और मैडम की मस्ती आप देख लीजिए भी पंजाबी है। ये जो पंजाब का संदर्भ है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और इस नरसंहार की जो पृष्ठभूमि है कि पंजाब अंग्रेजी हुकूमत का गठन, सबसे पहले पंजाब में उन्होंने अपनी कॉलोनियां बनाई और रेलवे सबसे पहले बिछाने का काम जो है वो पंजाब में किया। तो वहां के जो लोग थे वो इसको विकास की दृष्टि से, आज बहुत बड़ी चीज उछलती है विकास 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 विकास, उस विकास को करके पूरे पंजाब को उन्होंने अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया था और ये बताने की कोशिश की थी कि हमारे से ज्यादा एजेंसी आपका कोई दूसरा नहीं है। और इसके माध्यम से उन्होंने अपने पैर बना रहे थे, सबसे पहले कॉलोनिया और रेलवे का विस्तार किया। 1857 की क्रांति थी, 1857 की क्रांति में भी पंजाब का पूरा योगदान रहा है, 1870 का जो कूका आंदोलन हुआ है उसमें भी पंजाब का पूरा योगदान रहा है, 1914-15 का जो गदर आंदोलन है उसमें भी पंजाब की भूमिका आम रूप से रही है, विद्यार्थियों को भी पता होना चाहिए। और 1915 के गदर आंदोलन में पंजाब पे अंग्रेजों ने पंजाब में गंभीरता पूर्वक दमन नीति अपनाई, ये मैं बातें बता रहा हूं जिसको इतिहास अंग्रेजों ने इस गदर आंदोलन के बाद में पंजाब के दमन के लिए गंभीरता पूर्वक नीति अपनाई और उसका जो एग्जीक्यूशन है वो हमें जलियांवाला बाग के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पर उनका मन बना था कि ये चिंता कौम है, इस चिंता कौम को हमें तो मुद्दा कौम बनाना पड़ेगा। ये लगातार इतिहास बता रहा है कि पंजाबी कौम जो थी वो चिंता कौम थी और अंग्रेजों को लग गया था कि चिंता कौम को हमें मौत के घाट उतारना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतिहास में इस तरह का है, आपको मतलब कि तर्क वितर्क मिलेंगे जलियांवाला बाग को लेकर के, ये कहा गया कि वो डायर ने अपनी इच्छा से कर दिया था, ये था बाद में मतलब कि ऐसी कोई योजना नहीं थी, उसको लेकर के कोई प्लानिंग नहीं थी, ये एक सडन एक प्रतिक्रिया थी। ये सारी इतिहास की जो भी संधियां है, मैं आपको ये पॉइंट इसलिए आपको यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ से आपको लगेगा कि मन वहां से आपको ध्यान में रहे, ताकि आप किसी भी इतिहासकार के कुछ चाहते लेने आए जो ये लिखता है कि ये सडन प्रतिक्रिया थी, इसको माफ कर दिया जाना चाहिए, इसको दुर्भाग्यपूर्ण माना जाना चाहिए, जैसा कि ब्रिटिश शासन के द्वारा हमेशा कहा गया। इसलिए आप ध्यान में रखें कि मन बन चुका था, ये मन यहां से बनना शुरू हुआ था, शिक्षित समूहों की आवाज दबाने दबाई जाने लगी थी। पंजाब का वायसराय ओ डायर आयरलैंड की जमींदारी पृष्ठभूमि की मानसिकता का जीवंत रूप था, ये समझने की जरूरत है कि वहां का जो वायसराय है गवर्नर है वो डायर, दो डायर यहाँ पर आएंगे, वो डायर और आर है, ये दोनों बड़े लीडर थे, वो डायर और आर है। तो वो डायर जो था वो वहां का गवर्नर था, उसकी जो पृष्ठभूमि वो आयरलैंड की जमींदार पृष्ठभूमि की मानसिकता का जीवंत रूप था। और जमींदारी जो मानसिकता है वो आप समझ सकते हैं कि अपने सामने किसी को बर्दाश्त नहीं करती। ब्रिटानी औपनिवेशिकता का प्रबल समर्थक 1913 में पंजाब के लाला हरकिशन दल के पीपुल्स बैंक के लिए भी दोषी गायन था, वहां पर एक सर पीपुल्स बैंक बनाया गया था जनता की आर्थिक संपत्ति के लिए। इस आर्थिक संपत्ति का जिक्र आपने किया, विश्वविद्यालय की आप रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से पंजाब में वो चेतना थी आर्थिक
कि सबसे पहले उस व्यक्ति को उन व्यापारियों की बचत पर डायरेक्ट डंका अपना मतलब की डाका डाला, उसे बर्बाद किया, उद्योग और कृषि को चौपट किया, जिससे 1917 से 1919 के मध्य में कीमतों का उछाल आया, कामगार और कारीगर मंदी से गिर गए और पंजाब को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। आर्थिक रूप से पंजाब की रीढ़ तोड़ने का कार्य जो था वो डायर ने प्रारंभ कर दिया था। अमृतसर में मुस्लिम कश्मीरी कारीगरों का मुख्य आहार चावल था। कश्मीरी जो मुस्लिम थे वो वहां का मुख्य आहार जो था वो चावल था, जिसकी कीमत 3 गुना बढ़ गई थी। ये लोग धीरे धीरे लामबंद हुए और इसमें युवा मुस्लिमों के साथ ब्रिटिश विरोधी मध्यम वर्गीय मुस्लिम भी थे। इस मंदी के विरोध में रामचरण दत्त, गोकुलचंद नारंग, सेतुद्दीन किचलू, अली खान जैसे राजनीतिक विचारक सामने आए। इसी समय 1918-1919 में पंजाब में एंटीरोज और मलेरिया की महामारी फैली, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस समय भी डायर के द्वारा कोई भी मदद नहीं की गई। आप इन चीजों को जोड़ते रहिए, इन परिस्थितियों ने सूत्रधार का कार्य किया और जन जन में स्वयंभू नेतृत्व का माहौल फैल गया। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के प्रवेश से बहुत पहले ही पंजाब ब्रिटिश शासन से संघर्ष करता रहा। ये पंजाब की एक जो सैल्यूट करते हैं पंजाब को कि गांधी जी के आने से पहले ही पंजाब जो है अभी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता रहा है। यह सर्वप्रथम बिल्कुल नामधारी संप्रदाय ने वहां पर बजाया। नामधारियों का चित्र होना जरूरी है, इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा। गायब कर दिया गया नामधारियों को। नामधारियों ने सबसे पहले आजादी का बिल्कुल बनाया था। अब ये जो था ये पृष्ठभूमि पंजाब की थी। अब मैं थोड़ी बेशाखी की जो पृष्ठभूमि है वो मैं आज बताना चाहूंगा कि बेशाखी गुरु अमरदास द्वारा चुने गए 3 हिंदू त्योहारों में से एक है। 3 जो चुने गए गुरु अमरदास थे उसमें से मनो एक है। 9वें गुरु तेग बहादुर की धार्मिक स्वतंत्रता का शहीदी का दिन। इतने वर्ष जुड़े हूं मैं सारे पाकिस्तान में रख रहा हूं कि गुरु तेग बहादुर की धार्मिक स्वतंत्रता की शहीदी का दिन। और ये शहीदी क्यों दी थी? ये शहीदी उनके साथ अत्याचार नहीं हुआ था, ये अत्याचार हुआ था कश्मीर के पंडितों के साथ में, कश्मीर के मुस्लिमों के साथ में। उन्होंने आकर के कहा था, उसके लिए उन्होंने जाकर के मुगल शासक से जिक्र किया था, उसके बदले में उनका सर उतार लिया गया। शहीदी उस समाज के लिए दी थी, सर उस समाज के लिए दी थी। बहुत ही जरूरी है, हम बहुत ही छोटे में कह देते हैं सिख गुरु, अरे सिख गुरु नहीं है हमारे गुरु। याद तो सर ये भी बदलने की आवश्यकता है कि वहां पर हम कहते हैं कि सिख कौन गुरु है, सिखों के 9वें गुरु है, सिखों के 10वें गुरु है, अरे सिख कौन है? पूरी हिंदू प्रजाति को सनातन धर्म को बचाने के लिए जो एक पंच प्यारों के रूप में जो खालसा पंथ बना था उसके रूप में जो आगे आए थे वो हिंदू ही थे। सर समाज का प्रतिनिधित्व था, उसको कहते हैं सिखों के गुरु है हमारे लिए। ये भी इतिहास में बनाया जाता है इसलिए कि हम सिखों में और हिंदुओं में उसको बटे हुए। इसी दिन खालसा पंथ, खालसा संत सिपाही संगठन का निर्माण गुरु गोविंद सिंह ने किया। संत सिपाही संघ मेरा नाम जो है, संत सिपाही संगठन नाम है कि हम जो है संतों को भी जो है वो एक सैनिक के रूप में होना चाहिए, बिना बात के जहां पर सर उतार लिए जाते हो। दशमेश गुरु पिता ने अमृत छकाकर उन शोषित और निम्न जाति वालों को सिंह बनाया। सिंह का नाम दिया था, आप सिंह कहलाएंगे। ये जो सिंह का नाम है, सिंह का मतलब ये है कि जो दूसरों के लिए कुर्बानियां देता है, लड़ता है। ये वो जो सिंह का नाम दिया। 13 अप्रैल 1699 को श्री केशगढ़ साहिब आनंदपुर में खालसा पंथ की स्थापना अत्याचार के प्रतिरोध के लिए की गई। ये इसका वैशाखी का डीएनए, ये वैशाखी का पूरे पंजाब में मनाया जाता रहा है। प्रकृति की दृष्टि से रबी की फसल पकने से जुड़ा त्योहार, जिसमें फसल के लिए ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड धन्य भाव व्यापित किया जाता है। इस विषय के धार्मिक महत्व है, शहीदी का महत्व है और कृषि एग्रीकल्चर का भी महत्व है। और इसी के साथ ही आवक मौनी पंजाबी एक जो प्रणाली है, परंपरा है, आवक मौनी, वो आवक मौनी का जो पर्व है, परंपरा है, वो
उसी दिन से शुरू होती है जिसके बाद में धान की कटाई की जाती है, उसको अवध होनी जो है ये उस दिन शुरू, ये वैशाखी का पर्व मनाने के बाद में अवध होनी शुरू कर जाएगा फसलें, पहले ईश्वर का ग्रेटिट्यूड और फिर उसके बाद में फसल काटने का काम कर जाते हैं। ये इसका जिक्र आपको पूरा ध्यान में रहे, संदर्भ की परिस्थितियां ये जाते हुए रहे कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़े और मरे। गांधी जी 1905 में बम के क्रांति चेतना जागृत हो चुकी थी, 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का निर्माण हो चुका था, स्वदेशी आंदोलन फैल चुका था। 18 मार्च 1919 को रोलर एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा ब्रिटिश काउंसिल में पास करवा कर भारत में लागू किया गया, पास हुआ लंदन में, लागू हुआ भारत में, जिसे ब्लैक एक्ट कहा गया, काला कानून कहा गया। इस काला कानून को क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें शंका के आधार पर आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसके अंदर कोई भी ना अपील ना दलील और ना वकील, ये था रोलर एक्ट। ये रोलर एक्ट इसलिए था कि जो भी आजादी की बात करे, स्वतंत्रता की बात करे, आर्थिक सुधारों की बात करे, उनको सीधा बिना शंका के जेल, आप सीधा जेल में पूछ दें, उनको निर्वासित कर दें, उनका पता नहीं चलेगा कि वो जिंदा है या मुर्दा है। ये रोलर एक्ट था, ये लागू किया गया और इसका पहला प्रयोग जो है वो चलिए वाला है, पहला प्रयोग, पहला क्रियाशील प्रयोग जो है ये रोलर एक्ट था। इसका विरोध पूरे देश में होने लगा, हर तरफ जो है मतलब कि इसके लिए आवाज उठी, पूरे देश में आवाज उठी है, पंजाब उसमें अग्रणी था। आप देखिए पंजाब में अमृतसर के दो स्थानीय नेता जो थे वो सबसे पहले इसके शिकार हुए, वो जो दो नेता थे वो इसके शिकार सबसे पहले हुए रोलर एक्ट के। रोलर एक्ट का पहला प्रयोग अमृतसर पर किया गया डॉक्टर सत्यपाल आर्य और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को अरेस्ट किया गया। अब आप यहां बात में गौर करना चाहूंगा, इसमें एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, आज के दिन उस समय इस तरह की कोई भावना ही नहीं थी, ये मैं यहाँ पर इंगित करना चाहूंगा, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा, तथ्यात्मक जिक्र करूंगा। इन दोनों के लिए अमृतसर की जो जनता थी वो आंदोलित हो गई थी कि इनको गिरफ्तार किया ठीक है, क्यों किया ये बताया जाए, वो दोनों है क्या, क्योंकि अमृतसर की जेल में वो दोनों नहीं थे, उनको निर्वासित कर दिया गया था। जैसा कि कहते हैं कि एनकाउंटर, पता नहीं चलता था कि वो जिंदा है या मुर्दा है, इसीलिए पब्लिक के अंदर तो यही था कि सब मुस्लिम के लिए मुस्लिम बोल रहे हैं, हिंदू के लिए हिंदू बोल रहे हैं, सरपाल आली के लिए हिंदू बोल रहे हैं, उसके पिछलू के लिए जो मुस्लिम बोल रहे, ऐसा नहीं था, सभी दोनों के लिए मतलब सारी पब्लिक बोल रही थी। इस तरह की कोई विभाजक रेखा हमारे उस समय हमारे जीवन में नहीं थी, हमारी संस्कृति में नहीं थी, यहाँ पर थोड़ा सोचने की बात है। आप देखें इसके लिए आपस में इन दोनों नेताओं ने जो आर्थिक मंदी हुई थी उसके खिलाफ इन्होंने शुरू से आवाज उठाई थी, इसलिए सबसे पहले टारगेट इनको बनाया गया। ये स्थानीय नेता कांग्रेस के समर्थक भी थे, गिरफ्तारी के बाद इनको निर्वासित कर दिया गया। सत्याग्रह सभा का गठन गांधी जी द्वारा किया गया, देशव्यापी हड़ताल चली, हालांकि अमृतसर और लाहौर में ब्रिटिश विरोधी सभाएं हुई, लेकिन ये स्थानीय मुद्दों पर थी, जैसे प्लेटफॉर्म का टिकट और चुनाव, रोलर एक्ट और खिलाफत आंदोलन की इसमें कोई चर्चा भी नहीं हुई। ये भी आप ध्यान में रखें, स्थानीय मुद्दों पर असंतोष थोड़ा हुआ था, लेकिन खिलाफत आंदोलन और रोलर एक्ट को लेकर के वहां पर कोई एक महीने पहले जो घटनाक्रम है जलियांवाला के, इसी कोई भी बात वहां पर नहीं हुई थी। 30 मार्च और 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल में सबसे ज्यादा असर पंजाब के अमृतसर, लाहौर और गुजरांवाला में और जालंधर में हुआ। 25,000 से 30,000 लोग इकट्ठे, जो मैंने जिंदा कौन कहा है उसका बता रहा है कि 25,000 से 30,000 लोग इकट्ठे हुए। 9 अप्रैल को रामनवमी पर मार्च निकल गया जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे, सर ये बात इतिहास में नहीं मिलेगी, जो 9 अप्रैल को जो मार्च रामनवमी पर निकला है इन चीजों के अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे, या हिंदू मुस्लिम एकता ही डायर के लिए आंख का कांटा बन गई, ये बात इतिहास में लिखी नहीं जाती। जब इसमें देखा कि हिंदू मुस्लिम जिसको हम मारकर के अपना राज चलाना चाहते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति पर हम चल रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों एक साथ हमारे खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं, उस दिन डायर ने सोच लिया था कि मुझे इनको पोलियो की
बुलाया गया, गांधी जी को भोजन दिया गया, उनको नजरबंद कर दिया गया, उनको वापस बम्बई भेज दिया गया। इस समय एक घटना और भी हुई, एक अंग्रेजी लेडी थी जिसके पहले अंग्रेजी लेडी के साथ वहां पर निकलते हुए कोई अभद्रता हुई, छेड़खानी हुई, जिसको एक पंजाबी परिवार ने था, उसने उसको बचाया, उसको सम्मान दिया, छेड़खानी कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे, उनको भगाया, प्रोटेक्शन दिया पूरा पंजाबी के लिए। परंतु उस गली के दोनों भाग पर अंग्रेजों ने अपनी सेना लगा दी और सशस्त्र सेना लगाई और ये कहा कि जो भी इस गली से गुजरेगा उसको रेंगते हुए जाता है, अपने पैरों पर खड़े होकर के वो इस गली से नहीं गुजरेगा। और अगर पैरों के ऊपर चलता हुआ जाएगा तो बंदूकों की कुंडों से उसको इतना पीटो कि वो खुद नीचे रेंगने लगे, क्योंकि हमें भारतीयों को ये बताना है कि भारतीयों की जो असली जान है या जो कीमत है वो रेंगने वाले कीड़ों की तरह से। समझिए आप छोटी सी चीज की कितनी बड़ी प्रतिक्रिया ये ठीक जलियांवाला के पहले हो रही है। और वहां पर लगभग 15 दिन तक वो उस गली से जो भी निकला, ये स्वर्ण मंदिर के ठीक पास वाला एक लोकेशन है जहां पर जलियांवाला है, वो ठीक पास में एक गली थी, वहां पर वो रेंगते हुए निकले हैं और काफी लोगों को मारा गया। उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक उपचार डायर को देना था, भारत को एक ट्रीटमेंट देना था, वैक्सीनेशन देना था कि आपकी औकात रेंगने की है, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश मत कीजिए। वैसे तीन चीज घटना की। और इस घटना के बाद आप देखें कि एक आतंक फैल गया, लेकिन ये जो निर्वाचन हुआ था 10 अप्रैल मार्च को एक मार्च निकाला गया जिसमें 50,000 लोग उसके अंदर आए। इन नेताओं के लिए की मांग की गई नागरिक प्रशासन को बनाए रखने के लिए जालंधर का जो ब्रिगेडियर था रेगिनार डायर, जिसको आर डायर कहा जाता है, उसको वहां पर नियुक्ति दी। समझना दो डायर आप करते हैं, एक डायर गायज रहा है, अक्सर बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं, एक डायर गायज रहा है पहले से ये पंजाब का था, दूसरे डायर जो कि मतलब कि वहां पर जालंधर का था, उस ब्रिगेडियर को यहां पर नागरिक प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए लगाया गया। बर्बाद रिश्ता करने को एक ही हुकूमत अब वो पंजाब का वैसरा है, वो डायर शुरू से ही खुन्नस खाया हुआ था, क्योंकि लगातार जो मैंने आपको बताया है स्थितियां थी उसमें खुन्नस खा करके बैठा था कि कोई मौका मिले और उस मौके को मैं किस तरह से उसको अपनी इच्छाओं को तब्दीली में बदलूं, किस तरह से अपने मनोरथ को पूरा करूं, वो पहले से ही खा करके बैठा हुआ था। और जलियांवाला बाग में वैसाखी पर्व के मनाने आए, आप देखिए कि वहां पर ये इतिहास में ये कहा कि वहां पर एक विरोध के लिए हुए इकट्ठे हुए ताकि अंग्रेजों की उन चीजों को, उनके उस अन्याय को, उनके उस दौर को कहीं कहीं एक थोड़ा सा सकारात्मक ढंग से देखा जा सके। जबकि आप देखें कि मैंने आपको जो वैशाखी का प्रभाव बताया कि वैशाखी के पीछे कितनी धार्मिक और आर्थिक और हमारी जो कृषि की खेती की परंपराएं जुड़ी हुई थी, जमीन परंपराएं जुड़ी हुई थी, उसके लिए प्रतिवर्ष वो मेला लगता था और वहां पर उस दिन वो मेला जैसे हमारे यहाँ मेला होता है, मेले में और कितने लोग आए मैं बता नहीं सकता, सब अपनी अपनी इच्छा से मेले में आते हैं। आप देखिए बच्चे भी आते हैं, वृद्ध भी आते हैं, महिलाएं भी आती है, युवा भी आते हैं। यही दृश्य जो था वो जलियांवाला बाग का दृश्य था जहां पर उस मेले के लिए वैशाखी के लिए लोग आए, लेकिन उसको कन्वर्ट किया गया सब किसके लिए आए थे, विरोध के लिए आए। आप देखिए इसका प्रमाण ये है कि मेले में जो लोग आए उसका प्रमाण ये है कि जो लाशें मिली है उन लाशों में 6 दिन का बच्चा भी है, 6 सप्ताह का बच्चा भी है। अगर वहां पर किसी प्रोटेस्ट के लिए अगर पब्लिक इकट्ठी होती तो मैं नहीं मानता हूं कि वो 6 सप्ताह के अच्छे में ऐसे दिन के बच्चे को साथ में लेकर के प्रोटेस्ट करते, उन धार्मिक मामलों के कारण वो अपने बच्चों को भी वहां लेकर के गए थे, बूढ़ी महिलाएं भी गई थी, वृद्ध लोग भी गए थे, ये इसका प्रमाण है कि वो मेले के लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे। और इसी दिन आप देखें कि डायर ने एक निषेधाज्ञा का जो था कारण वो खेला, वो एक आदेश जारी किया और इस आदेश को इतना गुपचुप रखा। आप देखिए आगे जो हंटर आयोग बना है उस हंटर आयोग में एक बहुत बड़ा तर्क दिया जाता है कि साहब वो डायर ने यहां पर कर्फ्यू लगा दिया था, निषेधाज्ञा लगा दी थी, फिर ये लोग इकट्ठे क्यों
नहीं दी जाती है, आगे का जो षड्यंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूं, और उस नोटिस को पब्लिकली प्रसारित नहीं किया गया था, उसको दबा कर रखा गया इसके लिए कि बाद में ये हथियार के रूप में काम आएगा, और हुआ भी यही। और जो बात है और कुछ की भी कोई मुनादी नहीं करेगी कि यहाँ पर एक रहेगा, तीन लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, और किसी को भी शहर से बाहर जाना है तो उसको पास लेकर के जाना पड़ेगा, इस तरह की उसमें शर्तें थी, लेकिन इसकी मुनादी भी नहीं गई, अनाउंसमेंट भी इसका नहीं किया गया। ये एक इतिहास का एक छद्म रूप जो है हमें देखने को मिलेगा कि कहां पर इतिहास को दबाया गया है, कहां पर तोड़ा गया है, कहां पर मरोड़ा गया है। तो ये डायर का जो क्योंकि वो अपने मंतव्य को जो उसका गुणस था उसको निकालना चाहता था, जलियांवाला बाग का जो ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर बहुत कुछ जनता का आक्रोश है, दोनों नेताओं की गिरफ्तारी का उसकी चर्चा होगी। हम मेले में इकट्ठे होते हैं सब तरह की चर्चा है हम कर रहे हैं। तो वहां एक व्यक्ति था हंसराज, आप देखिए नाम बड़ा अच्छा है हंसराज, उसने मुखबिरी का काम किया और वो डायर को सूचना दी कि आज यहां पर ये चीजें होने वाली, इसका नाम अगर गेतराज होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन उसका नाम बाई चांस किया है हंसराज। उस हंसराज ने मुखबिरी की, अंग्रेजों को सूचना दी, डायर को बताया और छोड़ा जाए, एक भी वहां पर जो लोग इकट्ठे हुए थे किसी एक व्यक्ति के पास भी कोई शस्त्र नहीं था, नियंत्रित लोग थे, धार्मिक और आर्थिक फसल के कृषि के प्रयोजन से वहां पर कोई भी शत्रु लेकर के वहां पर नहीं आया था। और वहां पर उस जलियांवाला आप देखेंगे, आप सभी बच्चे सुनते होंगे जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग मानो तो हरियाली है सब कुछ, जैसा कि न्यू इंडिया अभी गया था कि वहां मैं तो गुरिंजी का हिस्सा हूं, मेरे यहाँ पर अड्डी करते हैं तो जलियांवाला बाग उसको कहा जाता है। आप शायद कोई बता पाए मुझे बहुत खुशी होगी उसका नाम जलियांवाला बाग। बहुत अच्छा, तो ये हमारा जो शेरे पंजाब थे रंजीत सिंह जी, उनके जो मां उनके जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनके परिवार में एक जज्जी नाम के जो थे जल्ली नाम के व्यक्ति थे, उनके नाम पर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। और ये मकानों के सराउंडिंग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के ठीक पास में मकानों के सराउंडिंग है उसमें एक चौक छूटा हुआ था और उसकी दीवारें जो थी वो 15-20 फीट की ऊपर तक बनी हुई थी। ये एक पर्सनल प्रॉपर्टी थी जिसका उपयोग बेशाकी को बनाने के लिए पुण्य कार्य के लिए, जैसे कि आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपनी जमीन को ऐसे पुण्य कार्य की मीटिंगों के लिए रखते हैं, वहां पर होती रहती है, वहां पर कोई शुल्क भी नहीं किया जाता, उस रूप में काम आती थी और इसका उपयोग वहां पर किया गया। वहां पर सभी लोग एकत्र हुए थे और आप देखें कि इस धार्मिक कार्य में शास्त्री लोग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, युवा लोग थे, और वहां पर वो गायक से बात करने के बाद में हमारे आर गायर ने वहां पर आते ही बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के, बिना कुछ समय दिए और सीधा फायर करना शुरू कर दिया। इन चीजों को पढ़ना है, मौतें तो हम गिन सकते हैं, लाशें हम गिन सकते हैं, लाशें गिनी गई है और लाशों को गिनने की राह इतनी की अभी भी मैं थोड़ा जिक्र करूंगा कि बिना कुछ कहे उस नियति भीड़ पर आते ही वक्तर और ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि ये जो आर गायर था ये साथ में कोपे भी लेकर के आया था, लेकिन अमृतसर की जो बंद जो सब्जी गलियां थी उसमें कोपे जा नहीं सकी थी, बल्कि उसका इरादा जो था वो कोपों से उड़ा लेता था, इस एक भी व्यक्ति उसमें से नहीं बच के जिंदा निकल पाए, ये उनका ताकत था वहां पर, इसके प्रमाण मौजूद है इतिहास में कि इसका जिक्र नहीं है। और वहां पर आती गोलियां चलने लगी, मशीन गन से गोलियां चली है और 1650 राउंड गोलियां वहां पर चली है, कुछ लोगों ने दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की भागने के लिए, तो आज भी दीवारों पर 15 फीट की ऊंचाई पर जो है वो आपको गोलियों के निशान मिलेंगे। मैं आपको से देख करके आया हूँ, गोलियों के निशान बने हुए हैं, 15 फीट की तो लोग चढ़ पा रहे थे उनके ऊपर की गोलियां मारी गई, इसलिए कि मतलब यही भी था कि यहां से कोई भी जिंदा नहीं जाना चाहिए। वहां पर एक सूखा कुआ था, उस सूखे कुएं के अंदर लोग बचने के लिए कूदने लगे और आप देखें कि उस कुएं के अंदर से जो लाशें निकली है वो 120 लाशें निकली गई।
और उन खुशी खुशी कुएं में से वो छह दिन का बच्चा और छह सप्ताह का बच्चा भी निकला है। उसको कोई माँ उसकी माँ लेकर थी उसके साथ में डूबी होगी कि शायद मैं इसमें कूद जाऊंगी तो मैं बच जाऊंगी। जिनके गोलियां लगी पैरों में खड़ा खड़े होने लगे तो फिर उनके सीने में गोलियां लगी, कमर में गोलियां लगी। 1650 राउंड गोलियां आप अंदाज लगाइए कि कितना विभत्स दृश्य रहा होगा। इस तरह की खून की जो होली थी वो हम खाली सुनने मात्र से हमारे को ऐसा लगता है, पर इतिहास में इसी घटना को 2 मिनट के अंदर निकल गया। जैसे साहित्य का न्याय होता है, मैं आज आपकी सभा में इतिहास का न्याय मांगता हूं। साहित्य के न्याय की तरह से इतिहास का न्याय भी होता है। जलावाला जलियावाला हमारा वो माइलस्टोन है जिसने लगातार आगे 30 सालों तक हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की चेतना को जोर कर रखा और उस खून को ठंडा नहीं होने दिया, जो खून जो था मतलब की युवाओं के सीने में बहरा था। उसके पीछे एक मात्र जलियावाला था। तभी आप वहां देखें कि वहां पर भगत सिंह जो 12 साल की उम्र का व्यक्ति है, बच्चा है, वो 12 मील दूर से लगभग 19 किलोमीटर मील माइल चलते थे। खुले उम्र 19 होते हैं, 12 साल की उम्र में लाहौर से वो अपने वहां पर आता है और वहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के दूसरे तीसरे दिन वो वहां की जो मिट्टी थी उस मिट्टी को उठाकर की गीली मिट्टी जो खून से भरी हुई थी उसको अपने साथ में ले जाता है और अपने साथ में जीवन भर रखता है फांसी पर चढ़ने तक। याद है एक 12 साल का बच्चा और भगत सिंह फांसी पर चढ़ते हुए जाए, यही जलियांवाला की जो प्रेरणा है उसी मैंने इसको लिखा है कि ये एक सीमा ही काल जैसी सीमा, क्योंकि इसने वक्त को जीत लिया था, पूरे काल को जीत लिया था। ये गंगा ऐसी नहीं थी जिसका 10 महीने 6 महीने 4 साल 2 साल प्रभाव है, तो काल को लांग नहीं चली जा रही है, देश की परिस्थितियों को हर देश काल को लांग गई है। किस तरह से ये इसने काल जी बनी है क्योंकि इसके पीछे कितना रक्त बहा है। आप इस रक्त की पोजिशन देखिए कि वहां पर इस तरह का जो कुआ था वो पूरा नाशों से भर गया, 15 फीट की दीवारों पर आज भी निशान मिलेंगे आपको। और गोलियां इतनी चल रही थी कि आप किधर भी भागो आपको मरना तो नहीं, हर कोने में हर जगह गोलियां थी, आकाश में मरना आपको है। यह शाम की 4:30 बजे की उनको रोकना था, अगर मन साफ होता तो इनिशियली मॉर्निंग में आकर के उन चीजों को उस अनाउंसमेंट को धारा लगी थी उसको बता करके रोका जा सकता, उसको पूरे प्रभाव चलने दिया ताकि बाद में लाशें गिरने में मजा आएगा। ये डायर की मानसिकता थी और वहां पर मतलब की जो है ये 4:30 बजे गाड़ियां आती और अचानक गोलियां चली। मैं ये समय इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक लिंक ध्यान में रहे कि ये क्या चीज थी। जलियांवाला को समझने के लिए सारी चीजें बड़ी काम की, और अगर हमने ये चीजें नहीं समझी तो इतिहास अगर 5 लाइनें छपी हुई किताबों में वो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा लगेगी, हमें बहुत लगेगी। तो 4:30 बजे गोलियां चली और सूखे कुएं में लोग कूदने लगे, इसको आज शहीद कुआ कहा जाता है। और इसके कुआ पूरा लाशों से भर गया, 6 माह का 6 सप्ताह का बच्चा भी इसमें से निकला और मेले के लोग पता आते हैं उत्सव की भावना से, मतलब ये कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पर कितने लोग थे, क्योंकि ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये कोई युद्ध प्रदर्शन नहीं था, ये शस्त्र की प्रदर्शन नहीं था, यहाँ सभी नियंत्रित लोग थे जिन्होंने गोलियां खाई। और आप देखें कि इसके ठीक बाद ये 1 घंटे तक ये हुआ, उसके बाद में पूरे शहर की लाइटें और पानी बंद कर दिया गया। लाइट और पानी क्यों बंद किया गया समझिए, पानी पिलाने के लिए अगर नहीं हो रहा तो जो गर्मी हुई लाशें हैं वो अपने आप बंद तोड़ देगी। और जो परिजन अपने परिजनों को ढूंढने के लिए वहां पर आएंगे तो अंधेरे में पहचान नहीं पाएंगे कि कौन 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 व्यक्ति जिंदा है जिसको बचाया जा सकता है, ताकि रात भर में तड़प तड़प करके वो भी मर जाए। इसलिए आप देखेंगे रात भर मतलब की वहां पर पानी की सप्लाई होती गई और लाइटें पूरे शहर की अंदर सभी बंद कर दी गई। ये चीजें बताने की मन कैसा था, मन कितना बदला हुआ था,
और ये आकस्मिकता नहीं थी, प्लानिंग, पूरी प्लानिंग के साथ में और वहां पर मतलब कि ये इस तरह से वहां पर आप देखिए बहुत से उस पीढ़ी के लोग आज भी मौजूद है और उस पीढ़ी के लोगों में आप देखें बहुत से लोगों के इंटरव्यू भी हुए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, उन्होंने कहा है कि किस तरह से वो उस अंधेरे में लालटेन लेकर के अपनी लाशों को अपने परिजनों की लाशों को ढूंढने में वो महिलाएं गई है और उन्होंने जब अपने पति की लाश को अपने बेटे की लाश को देखा तो उसको पानी पिलाने के लिए पानी नहीं था, अंधेरे में लेकर देखा तो खून भी फंवारे थे। आप उन लोगों का इंटरव्यू सुनिए, आज भी उस पीढ़ी के कुछ लोग मौजूद है। मतलब किस तरह का हमसे सूचनात्मक ही नहीं बने अपने जीवन में, कभी कभी भावनात्मक रूप से भी अपने जीवन को जीने की कोशिश है। हमारा इतिहास ही जलियांवाला तो कम से कम भारतीय इतिहास में इनके साथ में क्या हुआ है, क्या न्याय हुआ है, किस तरह से हम देखें कि गोलियां चली, ये सारा एक माहौल खून खच्चर का माहौल हो गया और आप देखें कि यहाँ पर एक उधम सिंह नाम का युवा भी था मात्र 21 वर्ष की आयु और वो उसके जान पर गोली लगी वो बच गए। उसने वो गोलियों को भी आवाजें सुनी, गोलियां खाई भी, लोगों को तड़पते भी देखा, रात भर उस खूनी मलबे में वो पड़ा हुआ था और कैसे उसकी दूसरे दिन वो वहां से लौट करके गया और उसने वहां की मिट्टी उठा करके ये शपथ खाई कि जिसने ये किया है मैं उसका बदला लूंगा, प्रतिशोध लूंगा। मैं मानता हूं कि ये युवा होना क्या होता है, वो युवा नहीं था, ऐसा युवा नहीं था जो खुश होकर निकल जाता है यार अपनी जान मिल गई और थोड़े भी निपट गए, जाओ अपने घर पे मस्ती से आराम से रहो, अपना कुछ भी बिगड़ा अपन जिंदा बन गए। दोस्तों ये युवा पर नहीं था, वो युवा पर है जिसने वो शपथ खाई जिसने ये किया है मैं उसका बदला लूंगा। ये उधम सिंह आप देखें तो अनाथ था, तो खुद मतलब की प्रकट बस ईश्वरीय चीजों को मारा हुआ व्यक्ति, वो कोई शपथ खा रहा है, उसकी संवेदनाएं देखिए, जिसकी संवेदनाएं परमात्मा ने चाहिए थी, वो समय वो कितना संवेदनशील है अपने समाज के प्रति, जिसको अनाथ परमात्मा ने बना दिया था वो समाज के प्रति कितना संवेदनशील है कि वो शपथ खा रहा है कि मैं इसका बदला लूंगा। और आप देखेंगे उसने अपना नाम रखा था, इसका जिक्र इतिहास में नहीं आता है, उसने नाम रखा था राम मोहम्मद सिंह आजाद, उसने अपना नाम रखा था, नाम था उधम सिंह लेकिन वो अपने को राम मोहम्मद सिंह आजाद कहना पसंद करता था क्योंकि राम और मोहम्मद एक समग्रता का परिचय है और आजाद इसलिए कि चंद्रशेखर आजाद से तो ये अब वो शपथ खाता है। वो शपथ लेने के बाद में आप देखिए उसको अंजाम भी देता है और किस तरह से वो यहाँ से सैन फ्रांसिस्को जाकर के वहां पर गदर पार्टी का कार्य भी करता है, अपना वेश रूप बदल करके खान सामा का कार्य के यहाँ पर करता है, इस ओडायर को बाद में भेज दिया जाता है बस से हटा करके और वहां पर जाकर के वो रोटी बनाने का काम करता है उधम सिंह अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए और 20 साल की साधना के बाद वो दिन आता है जब वो उसको गोली मार। ये युवा बनता है 1919 का जो एक बात का जो युवा बन है एक 1919 में जो भारत की तुरमाई है वो भगत सिंह 12 साल की उम्र। कुछ चीजें ऐसी है कि शायद अगर मैं उनको यहाँ पर कहूंगा अपना बदला लिया। बदला लेने के बाद में आप देखें उसने उस लाश को उठा करके देखा ये भी सुंदर तो नहीं है, मरा या नहीं मरा जाए, वो जो आश्वस्त हो गया कि ये मर चुका है
उसके बाद उसने अपने आप का आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया, फिर युवा लड़की अपने आप को अपने के हवाले, आप देखिए जज्बा उसका, कोई बचने का प्रयास नहीं, कोई कुछ नहीं, उसने अपने लक्ष्य को अपने मोक्ष को प्राप्त और उसने अपने आप को सुपुर्द कर दिया और 21 जुलाई 1940 को उसको अपने जो फांसी दे दी गई। उधम सिंह ने फांसी से पहले पंजाब से रूपाली जो थी उसको लाने की मांग। मैं मानता हूं कि ये जितने भी ऐसे चेतना वाले जो लोग हैं उसके पीछे पूरी कोई स्पिरिचुअल पावर जो है वो काम, जैसे कि आप विजय साहब जिक्र कर रहे थे कि यार मेवा की वो जो खातियां हैं और अलग अलग मेवा की वीरता भी नहीं, उन्होंने अलग अलग मतलब के मुकामों पर अपनी मतलब की श्रेष्ठता साबित की, उनके नाम पर यहाँ पे कमरों के नामकरण किए जाए। मैं मानता हूँ कि ये कहीं कहीं जो स्पिरिचुअल जो भाव में वही हमें इस तरह का मोटिवेशन देती है और उस जो शहीद की जनता है जो युवा है उसका जिक्र हुआ लिख रहा है। फांसी से पहले वो बोलता है उधम सिंह, मेरा भजन बन गया है, मेरा अपना लेकिन वो क्या कह रहा है, मेरा भजन बढ़ गया है क्योंकि मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मैं संतुष्ट हूं, मेरे काम से मैंने पाप किया है, एक को मैंने मारा है। देखिए उसकी चेतना, वो सनातन धर्मी का देखिए, वो कह रहा है कि मैंने एक को मारा है, मैंने पाप किया है, पर मैंने 2000 लोगों की मौत का बदला ले लिया, ये मेरा पुण्य है। 2000 बदला ले लिया, ये मेरा पुण्य है। आज भी आप देखें उत्तराखंड में जिले का नाम है वो उधम सिंह नगर के नाम कर दिया गया है, छोटी जी के हिसाब से बता रहा हूँ कि उधम सिंह नगर के नाम से उत्तराखंड के जिले का नाम किया गया है। और आप देखें कि ये घटना होने के बाद में 1974 में उधम सिंह की अस्थियों को भारत लाया गया था, 1974 में उसकी अस्थियां उधम सिंह की अस्थियां भारत आई है, आजाद जब हुआ था देश और अस्थियां तब भारत में आई है। एक पूरा बहुत बड़ा गैप है, ये जो भी पड़े विभिन्न उसको लेकर के विभिन्न जांच कमेटियां बनाई गई, क्योंकि इस समय आप देखें कि जो जांच कमेटियां बनी होगी पूरे देश व्यापी इसका विरोध हो रहा था, इसलिए जांच कमेटियां बनाना मजबूरी थी। और जैसा कि मैडम ने जिक्र किया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइट बुक की उपाधि थी, स्तर की उपाधि थी, उसको हटा दिया, इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बड़ा विरोध किया। इस दबाव के कारण रिपोर्ट में बननी शुरू हुई, इसके रिपोर्ट पर ये दबाव वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने चल रहा इस्तीफा देने का दबाव था, वरना आंदोलन तो पहले भी चल रहे थे। जब शेष लोग जो है मधुशाली जो लोग होते हैं वो जब किसी को एकांकित करते हैं तब कुछ परिवर्तन आता है, इसकी नजरिया है। वहां पर आप देखें कि समितियां जो बनी, मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा उनका, कि डिप्टी कमिश्नर कार्यालय अमृतसर जो कमेटी बनी उन्होंने 484 मौत का आंकड़ा दिया, जलिया वाला बाग जो कार्यालय था उसने 358 मौत का आंकड़ा दिया, ब्रिटिश अभिलेख ने 379 मौत का आंकड़ा दिया, 200 के घायल होने का आंकड़ा दिया, 377 पुरुष, 41 नाबालिग, 6 सप्ताह का बच्चा। मदन मोहन मालवीय समिति बनी उन्होंने 1300 से 1500 की मौत का आंकड़ा दिया, स्वामी सिद्धानंद समिति बनी जिन्होंने 1500 की मौत का आंकड़ा दिया। वहां का जो सिविल सर्जन सुमित था जो डिस्पेंसरी चलाता था अमृतसर में, जितने लोगों का उपचार किया था उसने 1800 का आंकड़ा दिया, 1800 का आंकड़ा दिया, हॉस्पिटल का आंकड़ा 1800 का आंकड़ा दिया। अंतर आयोग का गठन किया गया, भारतीयों को भी लगाया गया था, वो भारतीय थे घटना होने से। इससे इस अंतर आयोग के अंदर आप देखें कि 14 अक्टूबर 1929 को डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बनी गई जिसका पॉपुलर नाम अंतर आयोग ही, क्योंकि इसका अध्यक्ष अंतर था। वो डायर की स्थिति को उन्होंने अमानवीय माना, ब्रिटिश परंपरा के विरुद्ध माना, परंतु कोई दंडात्मक कार्यवाही का कोई भी सुझाव इसके अंदर नहीं दिया गया, क्योंकि बड़े अधिकारियों का भारत राष्ट्र जो था वो डायर पर बना हुआ था। इस कारण से भारतीयों का जो मनोबल था, वो भारतीयों का मनोबल जो था, भारतीयों का मनोबल टूट गया, और भारतीयों का मनोबल टूट जाने से क्योंकि उनको ये था
ये कहीं भी कहीं इतने आयोग बने अंतर आयोग आया तो उसको दंड नहीं दिया जाएगा और जब उसको दंड नहीं दिया गया तो मेरा मानना है कि उत्तम सिंह ने भी जो दंड दिया वो न्यायोचित था। अगर अंतर आयोग के द्वारा और डायर को दंडित कर दिया जाता तो मैं मानता हूं कि आगे जाकर के उत्तम सिंह उसका मर्डर नहीं करता। ध्वनि क्रिया की प्रतिक्रिया ध्वनि की प्रतिध्वनि की एक क्रिया थी। अगर वहां पर न्याय मिल गया होता तो वो जो आक्रोशित युवा मन था वो शांत हो जाता क्योंकि अंग्रेज को इसलिए क्या थे उनकी न्याय प्रियता के लिए उनकी सभ्यता के लिए क्योंकि उन्होंने भारत में आकर के सबसे बड़ा तर्क जो दिया था वो ये दिया था कि हम आपको न्याय सिखाने के लिए आए हम आपको सभ्य बनाने के लिए आए हैं। ये सबसे बड़ा एक नैतिक दावा था उनका और इस जलियांवाला बाग ने उस नैतिक दावे की पोल खोल करके रख दी। उनका एक नैतिक दावा बनता था कि हम सभ्यता नहीं उनकी सभ्यता थी जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बातें करते हैं वही तो जलियांवाला बाग को रखते हैं उसी तरह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को रख लें बीच में लाइन खींच करके देखें कि कौन सी चीज भारी है और फिर बताएं वो कि मतलब किए जलियांवाला आज दिन तक आपने किए कि भारत चिल्ला चिल्ला करके थकिया इस पर माफी मांगनी चाहिए लेकिन आज दिन तक जलियांवाला बाग ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटेन के किसी नुमाइंदे ने ब्रिटेन की महारानी ने ब्रिटेन के किसी भी नेता ने इस पर माफी नहीं मांगी है। अफसोस जाहिर किया सिर्फ अफसोस जो उस समय भी जाहिर था बीच में भी 1997 में भी हुआ मेरी जानकारी की उसने भी किया विदेश मंत्री जो भी आए थे तेरा में उन्होंने भी किया सिर्फ अफसोस 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 और ये कहा कि सीमा रेखा खींच देनी चाहिए माफियों के लिए है जो अगर हम माफियां मांगेंगे तो हमें कितनी बातों पर माफियां मांगनी पड़ेगी ये डायलॉग आया कितनी माफियां मांगनी पड़ेगी इसलिए हमें सीमा रेखा खींच देनी चाहिए। ये उसकी काल जयता है समय समय पर यह मुद्दा ये जलियांवाला बाग बार बार उठता है क्योंकि जलियांवाला बाग जो है वो मौत का हिस्सा भले बनाया गया लेकिन आज वो हमारी रगों में हमारे चिंतन में अमरता का हिस्सा बन चुका है इसलिए आज भी उपकालीन रूप से बदल उठती है और आज विश्व परिदृश्य में भारत के किस दिन की इंतजार है कि जिस दिन भारत इतना शक्तिशाली होगा कि उनको उस जगन्दे कांड के लिए उतना संभाग के लिए उस ब्रिटानी औपनिवेशिकता को माफी मांगनी पड़ेगी। अब आप देखिए कि ये जो था उसको ओ डायर का इस तरह से हल हुआ और आप देखिए कि वो जो एम आर डायर था आप देखिए उसको स्क्रीन है वो क्या मिला वो डिप्रेशन में लगातार इस घटना के बाद में डिप्रेशन में आया और डिप्रेशन में आने के बाद में उसको लकवा पैनलाइसिस उसी ने उस तड़प तड़प करके वो जिया और उसने एक इंटरव्यू में कहा कि उस दिन के बाद से मैंने जब से मैंने गोलियां चलाई थी मुझे नींद नहीं आई उसके डिप्रेशन का कारण तो जो हत्यारा भी इतना दृश्य को लेकर के जो सो नहीं पाया लगा था वो 1927 में उस डिप्रेशन के कारण जलवे से तरह करके मरता है। तो आप कल्पना कीजिए कि जलियांवाला बाग का क्या दृश्य रहा होगा क्या वहां पर कितनी गंदर हुआ होगा। ये हमारे को स्वतंत्रता का बोध कराती है ये हमारे को ये जो कांग्रेस का और जो जन आंदोलन जो करे थे उसमें जो प्रचंड सहयोग अंग्रेजों को मिल रहा था उसकी आंखें खोल करके जलियांवाला ने रख दी दूध का दूध और पानी का पानी किया। गांधी जी ने ब्रिटिश राज और भारतीयों के प्रतिरोध के रवैये की निंदा की दोनों की निंदा की गांधी जी ने परंतु इस अवसर पर पार्टी में उनका विरोध हुआ और अंत में उनको अंग्रेजों की भर्त्सना करनी पड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण मोड़ था ब्रिटानी पूर्ण दमनकारी चेहरा स्पष्ट हुआ अंग्रेजी राज में भारत के लिए ब्रिटानी इस दावे की पोल खुल गई भारत पर शासन करने वाले सभ्य बनाने के नैतिक दावे का अंत हुआ और भारतीयों में एकजुटता आई और पूर्ण स्वराज की प्रेरणा ये जलियांवाला बाग हत्याकांड बना और जलियांवाला ने जन राष्ट्रवाद की युग की शुरुआत ये जन राष्ट्रवाद की युग की शुरुआत जो है वो जलियांवाला बाग करता है इतिहास पर उसका इम्पैक्ट है। ये भी जन राष्ट्रवाद जो पैदा हुआ है वो जलियांवाला से पैदा हुआ है और भगत सिंह की जो नौजवान सभा है वो नौजवान सभा जो बनी थी वो इसी इसी के लिए बनी थी। आगे जाकर के अब देखें किला राजा चंद्रशेखर भगत सिंह लाल बाल पाल आशा कुंदा खान सुभाष चंद्र बोस आदि लोगों ने जलियांवाला बाग को किया ये सारा इंपैक्ट जो है उसी जलियांवाला बाग का है। और आप देखें कि इस अंतर आयोग की रिपोर्ट को जब इसके ऊपर कार्रवाई होती उसके पहले ही आप देखेंगे अंग्रेजों का प्रपंच है वो प्रपंच किस तरह से सामने आया कि 13 मार्च 1900 उन्होंने एक कमेटी और ऊपर बना दी
और उस कमेटी को ये कहा कि जो मतलब कि क्षतिपूर्ति समिति जो अंग्रेज अफसरों को क्षतिपूर्ति हुई है भारत में अपने शासन जमाने के लिए उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। और जो चर्चिल जो कि उस समय का सैनिक सचिव था चर्चिल उसको जो ये सौंपा गया सारा पत्र उसने भी अपने कागजों में इसकी गुहाई की और इसको बड़ा क्रूरता बताया। लेकिन वो जो फेवरिज्म था कौन सा राष्ट्रवाद था इसका नतीजे को गली इस तरह से डायर को पूरा का पूरा बचा लिया गया उसको छोड़ दिया गया। इवन आप देखें कि किस तरह से वहां की संस्थाओं ने सौलो वीरता की तलवार ब्रिटेन ने लंदन में उसको भेंट की थी या फिर उसके बाद भी अगर भारत का युवा उसको गोली नहीं मारेगा तो क्या पूजा करेगा। अगर वो न्याय है तो न्याय भी जाती है अंग्रेजों से अगर मिल जाता तो इतिहास में टंका पड़ा बैठा है अंग्रेजों का कि वो बड़ी न्याय भी जाती थी बड़ी सब भी जाती थी। अगर वो न्याय वहां पर मिल चुका होता वहां न्याय के बदले में आप देखिए 26,000 पाउंड की उसकी पेंशन दी जा रही है और उसके बाद में उसको वीरता की तलवार को भेंट की जा रही है और उसके बाद में उधम सिंह को भी फिर न्याय मिल चुका होता निश्चित रूप से ये चीजें नहीं होती। बदले में खून बहाऊंगा तो मैं घायल कहलाऊंगा बदले में खून बहाऊंगा तो मैं घायल कहलाऊंगा ये एक अहिंसा बात करता कि हमें हिंसा के बदले में कुछ हिंसा नहीं ये काफी केंद्र के इंटरव्यू है आदि दिन में आए उन्होंने आपको जिक्र किया। और देखिए आप चटर भी का प्रसाद जो है पंडित उन्होंने लिखा कि शहीदों की जिंदाओं पर हर बरस लगे के मेले बदन पर बैठने वालों का यही बाकी निशा होगा। जलियांवाला नरसंहार उपनिवेशवाद का असली चेहरा था एक बहुत सुंदर चेहरा ब्रिटानी उपनिवेश जो सभ्यता का डंका पीटते रहे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बात करने वालों का असली नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज जलिया वाला था प्रैक्टिकल नॉलेज जलिया वाला बात स्टोरी नहीं तथ्य तथ्यों से भरा पड़ा है क्योंकि वो जो शहीद हुए थे उन्होंने एक बात कही थी जब अपनी जमीन होगी अपना आसमां होगा इसके लिए बोल रहे थे अपनी जमीन होगी अपना आसमां होगा ये उनकी जमीन है उनका आसमां है और आज इस विश्वविद्यालय है ये जो एक दो घंटे उसके लिए जो किए हैं इस हिसाब से शांति समय साथ खराब मुझे भी इसमें पता है और बैठा भी इस प्रोग्राम को जो चौक आउट किया है कि मैं मानता हूँ कि शायद ये विश्वविद्यालय में गले भी मनाया कि मना मुझे पता नहीं लेकिन शायद ये इतिहास की दृष्टि से देखूं तो मैंने जो सुना है ये पहला कार्यक्रम है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर इस मोहनदास उगाड़िया विश्वविद्यालय में कृषि साहब की मनस्विता और मैडम की जो मनस्विता उसके कारण से मनाया गया और आप सभी के सहयोग से जो आप बता रहे धीरज जी रात्म साहब वगैरह शुक्ला साहब आप सभी जो मेरे बंधु है नागला साहब वगैरह सभी जो हमारे मेरे जो भाई बहन है मेरी बहने हैं कि ये सभी के कारण ये संभव हुआ कि आज वो चीज जो थी साकार रूप में हमें देखने को मिलती है। मैं उसके लिए आप दोनों को सैल्यूट करता हूं सर कि आप फर्स्ट टाइम जो है कि इस तरह की परंपरा डालने की कोशिश यहां पर की है क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब अपनी जमीन होगी अपना आसमान होगा। मित्रों ये उसी की जमीन है उन्हीं का आसमान है उसमें उनका नाम लेने के लिए अगर आधा मित्र ज्यादा भी हो जाए तो माफ क्योंकि उन्हीं की जमीन है उन्हीं का आसमान है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। जलियांवाला बाग लगातार अमर ज्योत के रूप में शहीदों को याद दिलाता है। अमर ज्योत और सूक्ष्म ज्योत हमारा ये जो संवाद ज्योत है उस रूप में आज अमर ज्योत यहाँ पर जली है। मोहनदास उगाड़िया विश्वविद्यालय का व्यापारी हूँ मैं यहाँ पर विद्यार्थी भी रहा हूँ तो मैं आभारी हूँ कि एक अमर ज्योत आज उन्होंने यहाँ जलाई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड राष्ट्रीय कर्तव्य स्मृति के रूप में है हमारी राष्ट्रीय स्मृति समझिए हर राष्ट्र की अपनी स्मृति है विश्वविद्यालय की अपनी स्मृति है उस स्मृति में कौन सी चीजें ठहरेगी इस स्मृति में ये दिवस करेगा कि हम जलियांवाला बाग
हत्याकांड का दिवस था, इसी तारीख को यहाँ पर उस दिन मनाया गया था। अवकाश थे लगातार अवकाश, तो उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय को बोला गया और बोलेंगे सर ये मनाया गया, ये चीज अंकित होगी। और कोरोना की इस महामारी के उस शहर में भी जहाँ पर बच्चे सावधानी से काम कर रहे हैं, इसलिए ये चीज इतिहास में रेखांकित होगी। ये इसकी कार्यकारिता है, ये राष्ट्रीय एक नई भैया के रूप में है। जो सामने आती है इसका जो रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट है
और देखें उसके बाद में विश्व एक चिंतन में लगा भारत भारत उस चिंतन में उसको गुरु था तब भी चिंता था आज भी जी रहा है वो ये था कि शाश्वत मानवीय मूल्यों के संरक्षण सह अस्तित्व जियो और जीने की जो भावनाएं थी संवेदनाएं थी वो प्रकृति इसकी प्रेरणा करती है इसकी जो जलिया वाला बाग हत्याकांड जो प्रेरणा है वो इन चीजों को प्रगति बनाती है और ये उसकी जो खास यही उसकी प्राचीन सीमा है तो सदैव स्मृति धरवा रहेगी पूरे विश्व में बात कहना चाहूंगा बड़ी बात नहीं है ये अतिशयोक्ति नहीं है ओ डायर आधुनिक भारत का मोहम्मद गोरी था मोहम्मद गजनवी था चंगेज खान था तैमूर लंग था और अहमद शाह अब्दाली था एक इतिहासकार के नाते बात कहता हूं तथ्य है जो इस पर किसी भी हर व्यक्ति से बहस करने के लिए कि ये सारे गुण उसने एक साथ मौजूद थे उसने आर्थिक शोषण भी किया दमन भी किया मारा लूटा हत्या की इन सभी को अगर मिला दिया जाए पूरे हत्याकांड को अगर मिला दिया जाए तो आधुनिक भारत का एक डायर क्या होता है वो डायर था उसके सारी होता हो डायर इसलिए मैं अब तुम्हें एक बात अपनी अंतिम बात कहूंगा कि ये सीरियस हुए हैं मैडम उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है अप्रैल के लिए अप्रैल के लिए वो उन्होंने प्रकृति के संदर्भ में कही है कि किस तरह से सतत सूचना भेज देती है और पलाश के फूलों में उगर सुंदर आता है उन्होंने क्रूरेस्ट मंथ कहा तो उनकी जो नई बिहेव कर अपना है सेंस था वो दूसरी से उन्होंने कहा लेकिन मैं मानता हूँ कि इस इतिहास में भी अगर हम देखें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में तो अप्रैल इज दी क्रूरेस्ट 1919 का दस हमला है ये अप्रैल में ही हुआ था इसलिए इलियट को यहाँ पर मैं प्रकृति का विचार में इतिहास की तस्वीर में मिलाना चाहता हूँ। Thank you.
जलियांवाला बाग का एक जीवंत दृश्य हम सबकी आंखों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जो बात आपने कही वो हृदय और आपके अनुभव से सीधे पहुंची और सीधे हमारे हृदय तक लगी है। इस हत्याकांड को नरसंहार कहा जाए तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। और जिस तरह आपने महाराज जलियांवाला बाग का भी नकारात्मक तो हम सभी देख ही रहे हैं, पर उसकी जो आपने एक घटनाक्रम बताया और उसकी जो कालजयी सीमा होने को आपने जो यहाँ पर सिद्ध किया है उसकी सकारात्मकता शायद पुनः हमारे इतिहास को लगेगी। और जो आपने शब्द कहे थे कि यदि हमें जलियांवाला बाग महसूस करना हो तो उसकी मिट्टी को छूना चाहिए, उसके संबंध में तो पंक्तियों के साथ आपका आभार व्यक्त करती हूँ। महसूस करो तो कर लेना स्वराज की खूनी तना तनी, और मां उठे तो भर लेना मुट्ठी में मिट्टी लहू सनी, कण कण में बोल उठेगा मैं किस आहुति की श्याम हूँ, भूखार मगर पाकीज़ा हूँ मैं जलियांवाला हिस्सा हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रति अवचेतना जागृत हमारे महाविद्यालय ने एक पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था, किंतु कोरोना की वजह से उसे हमें स्थगित करना पड़ा। पर हम पुनः ही जब स्थितियां सामान्य होगी हम उसे जरूर उस प्रतियोगिता को भी पुनः करवाएंगे ताकि बच्चों में इस अवचेतना को जागृत कर सके। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह ही दांडी यात्रा भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती वर्ष में गांधी यात्रा की 91वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय द्वारा गांधी यात्रा स्वतंत्रता की ओर एक कदम विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें उदयपुर संभाग के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भारी उल्लास के साथ भाग लिया और हमें 60 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई। इस प्रतियोगिता में विजेता रहे विद्यार्थियों को पारितोषिक वितरण आज हमारे इन महानुभावों द्वारा किया जाना। मैं वंचा सिंह विद्यार्थियों की अमूल्य प्रतिष्ठा और
तो प्रविष्टियों को देखते हुए अधिष्ठाता महोदय ने संपूर्ण पुरस्कार भी देने का निर्णय लिया और कशिश खटीक को मैं आमंत्रित करती हूँ, शायद वो भी इतना उपस्थित नहीं है, देखा पहलोता है। तो कशिश खटीक को देखा पहलो को भी संपूर्ण पुरस्कार दिया गया है। कशिश खटीक हमारे महाविद्यालय के मेगा खेलों से मथुरा दास गुलानी राष्ट्रीय महाविद्यालय नागपुर द्वारा दिखा आप सभी का धन्यवाद एवं विजेता प्रतिभागियों को बहुत सुंदर सोच सजाने को सास बनाता हूँ, नौसुखियों परिंदों को वास बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, सब दुनिया बदलने समंदर को पलटता है हौसले कश्तियों के और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, बनाए चाहे चांद पे कोई फुर्जे खलीफा, मैं कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय को नए आयाम देने वाले नवाचारों के प्रणेता, हमारे प्रेरणा स्रोत ओजस्वी कुलपति महोदय जिनका अभिभाषण हमेशा हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है, अपने स्वास्थ्य जो उनका ठीक नहीं है और इतने अधिक व्यस्त रहते हुए भी जो हमेशा प्रेरणा को दिखाते हैं और इस कार्यक्रम के भी हम तो ऑनलाइन हम इस कार्यक्रम को करने वाले थे पर कुलपति महोदय की इच्छा और उनकी जो ऊर्जा और प्रेरणा से हमने इस कार्यक्रम को ऑफलाइन भी सफल रूप से कंडक्ट किया, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देती हूँ और बिना पर आग्रह करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें प्रदान करें। माननीय कुलपति आज इस नया सभागार में मेरे वाले बाप एक जीवन का व्रत था जिसके बारे में चिंतन कर रहा था। 1974 में मुझे पढ़ा गया था और 1978 के बाद इस तरह का इतिहास हम कभी पढ़ने का होता है। निकला और आज भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी छात्र उनको भी इस कार्यक्रम हमारे कभी मैं और आप अंतर्राष्ट्रीय बात प्राप्त नहीं हुआ नमस्कार और हमारे इंटरव्यू में श्री चंद्रा जी चंद्रशेखर हमारे अकादमिक टीम सीमा मलिक जी हमारे जरूर यादव जी और शिक्षक जो हमारे छात्रों को अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया गया है हमारे इतिहास हम सुनते हैं उतना ही जानते हैं। जलियांवाले बाग के बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि इतना विस्तृत और ज्ञानवर्धक बातें हमें प्राप्त हुई है। मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से चंद्रशेखर शर्मा का आभार करता हूं और आपके ज्ञान का हम तरफ बहुत सी चीजें हैं ज्ञान होता है तो सीखना पड़ता है किसी से राय लेना पड़ता है। जो हमने इतिहास देखा है
आंखों से दुनिया में उसको मैं बताना चाहता हूँ। बात बहुत ठीक नहीं है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि हम भारत को आप लोग का आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, क्या क्या भारत पढ़ाते हैं, तो मुझे बहुत ज्ञान नहीं है। एज ए साइंटिस्ट, एज ए वैज्ञानिक, जो मेरी सोच है उसको मैं आपके सामने रखता हूं। 1640 ईस्ट इंडिया कंपनी है, और जब तक देश आजाद नहीं हुआ 1947, और उसमें भी अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो 1902 से लेकर 1947 ये जो पीरियड चला, काल चला, ये भारत देश के लिए बहुत ही एक एक काला दिन काश। उसके पीछे क्या तो बहुत से काल हुए निर्मल का क्या क्या आप लोग बताते हैं। फिर हम 500 के आसपास शताब्दी के तरफ से उसको भी आप लोग पढ़ते होंगे, तो पढ़े भी नहीं है जानते नहीं कुछ तो उसके भी पढ़ देंगे। तो 500 ईस्वी के बाद 1640 के बीच बहुत ही हमारे देश में बहुत से आपदाएं आई, बहुत से वर्ष आए, बहुत से आक्रमण हुए, कुर्बानियां हुई, वो आप सब लोग जानते हैं, मैं तो सिर्फ अनुभव करता हूं। लेकिन इसके पहले का समय था और जो व्यवहार के राजा थे जिनका राज्य आप सुनते हैं कि अफगानिस्तान तक कहां तक था, वो जो समय था, क्या समय था, वो आप जानते हो, क्योंकि आप सभी लोग आपसे शिक्षक शिक्षार्थी उनका इतिहास क्यों नहीं पाया क्या हो? इतना देश के लिए रक्षा के लिए यहाँ के लोगों ने कुर्बानियां दिया हो, क्योंकि वो लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं। और एक बात सही है कि यदि किसी देश की व्यवस्था को बदलना और किसी देश की व्यवस्था को जानना तो व्यापार नहीं, व्यापार को हर चीज मालूम होती है, कौन कौन सा काम, कौन सा जिला, कौन सी जात, किस तरह का व्यवहार, कैसे उनको हम अपने हिसाब से उसको तैयार करें। व्यापार लोग हर चीज जानते हैं और यही कारण है कि इंडिया में कंपनी व्यापार करने के लिए गुलाम रहा देश, इसके पहले लोग व्यापार में ले आए होंगे व्यापारी, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि भारत का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हमारी संस्कृति है, क्या पद्धति है, ये सभी लोग जानते हैं। काम था चला गया। अब 1947 के बाद हमें क्या करना जरूरी है, जो हम सुनते हैं गूगल पर जो शेयरिंग करते हैं, लोगों से विचार करते हैं, आपको बहुत मौका मिला उन्हें काम करने के लिए, तो ये बात तो सत्य है कि इतिहास में बड़ों करके और हमने स्वीकार जो पढ़ाया गया हमने पढ़ लिया। उसका कारण यह कि हम विश्वास करते हैं, जो आदमी ज्ञान देता है चाहे सही ज्ञान दे चाहे अच्छा ज्ञान, हम स्वीकार करते हैं। और साइंस और टेक्नोलॉजी इतना इतना एडवांस नहीं थी कि सब लोग का सहयोग था, अब उस समय आ गया क्योंकि तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूरे दुनिया में भारत का वर्चस्व
तो हम पहले इतिहास का उग्र इतिहास पढ़ा जाता है उसको समाप्त ही करें। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए कहा जाता है ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए ये बने अगर इतिहास गलत है। और सर्वज जैसे हमारे बीच में देखे पूरा देश दुनिया भ्रमण किया देखा इतिहासकार संगीतकार वास्तुशास्त्री बीदरी त्याग तपस्या करने वाले भक्ति में जितना हमें राजस्थान से श्री निवास मिला करें तो सब लोग यहाँ पर सारे संसाधन ज्ञात है। आप लोग करते हैं कम हम इसे इंप्लीमेंट कर देते हैं। अगर जलियांवाला बाग को अगर दो में पढ़ाया जाता है यहाँ पर पांच में पढ़ाया जाता है तो एक घंटा पढ़ाइए उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए तो प्रश्न इम्प्लीमेंट कर दीजिए पहला करिए हम देखें कोई काम विकासित किया जाता है बिल्कुल किया जाता है बहुत से कार्य जो है विरोध होता है फिर उस मीटिंग को पोस्टपोन करके फिर विचार किया जाता है। जब देखा जाता है कि कुछ शरारती तत्व है जो हमारे विचार को इम्प्लीमेंट होने में दिक्कत करते हैं पूरा संगठित कठोरता किया जाता है। आप सीमा जी आप जलियांवाला बाग इस तरह का जो भी आंदोलन है अगर आप सोचते हो उसके बारे में और ऐसे निगेटिव व्यक्ति को मन लगे जो निगेटिव बात करता है वो आगे जाता है लागू करिए। और ऐसे बहुत से आंदोलन है क्योंकि मेरे पिताजी की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 1905 थी तो हम लोग सात भाई पांच भाई तो सुनाया करते बहुत से आंदोलन था सुंदर सहनानी की थे जो आंदोलन है उस आंदोलन पर इसी तरह से इंगार करते एक आंदोलन नमक आंदोलन तो इंडिया में भारत छोड़ो आंदोलन तू मुझे बोल दो तो मैं आजादी दूंगा इस तरह बहुत सी चीजें हैं आप लोगों के सामने होगी हम ज्यादा इच्छा जानते हैं उस पर इसी तरह सटे क्यों और अच्छे से जीवित रखना जरूरी और व्यवस्था चेंज हो रही हम कभी कभी शर्मा जी से बात करते हैं हमें तो बहुत मौका नहीं मिलता करुणा तब से आए तब से अपनी बैठ करते हैं तो बहुत कुछ किया जाता ये गांव देख लो हमारा घर यहाँ से 2000 किलोमीटर है महाराज के पास के भाई सेवा पढ़ाई तो लखनऊ ही हमारे गांव में 7 गांव का एक मोहल्ला एक गांव 7 छोटे छोटे 7000 की आबादी और एक हरिद्वार तिवारी जी आते थे सारे झगड़े कोई बात होता था एक आचार जी आए हमने देखा है वो सारे विवाद एक आचार जी आपने कथा करने के लिए सर्वों पर शुरू है जो उन्होंने कर दिया वही फाइनल जो बच्चे का नाम रख दिया वही फाइनल आज हम प्रधान बनाते हैं सब क्या करते हैं उससे बढ़िया तुम्हारा वही था उससे बढ़िया तो हमें लगता है कि गलत नहीं मत है उससे बढ़िया कौन है पर आज भी है जिस दिन इस देश से अभी कल हम पूजन कर रहे थे गोवा के आदि आए थे मैंने जय को समझाया कि ये तो हमें ना लो
ये आपका धर्म और संस्कृति धर्म भी अच्छा सब कर रहे धर्म तो धर्म युद्ध चल रहा है पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में इंटरनल धर्म युद्ध चल रहा है कि मेरा धर्म आगे तुम्हारा धर्म होगा और हम कर लेंगे अच्छी बात है कोई बात नहीं लेकिन जिसको जो आचार्य हैं जो गांव में हैं ऐसे ऐसे आचार्य हैं जिस दिन की संख्या कम हो जाएगी और आपकी संस्कृति चला गया आपका जो विचार चला गया आपके धर्म की आस्था जो थी वो चला गया तो देश पुनः गुलाम हो जाएगा साजिश हो नहीं पाएगा और बहुत आगे देश से बता देंगे बहुत आगे क्योंकि हमारा जो पुरानी परंपरा है पूजा पाठ की जो हमारे चला आ रहा है वो दुनिया के सभी लोगों ने नहीं छोड़ा तो हम भी छोड़े पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान से भी लोग करा आप लोग कराओ या ना कराओ ये आपका लेकिन मैं करा क्योंकि हमको उसी में आनंद आता है तो ये पूरा जो सिनेरियो चल रहा है कि किस तरह देखो आपका जो लोकल टेक्नोलॉजी थी आप जो संख्या लोकल पार्ट होगा तमाम है आपका जो स्थानीय ज्ञान था आपका स्थानीय जो जो आपका प्रारंभ थे तो कला थी वो तो सब खत्म हुए धीरे धीरे अब हम किसी चीज चले आ रहे और आना ही पड़ेगा इसलिए आना पड़ेगा यही इंस्पिरेशन पा रही है कि हमारा जो पुराना था हम उसको सारे के नए साथ चलते हम पुराना भी बना रखेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ चलेंगे और चल भी ना ये करना पड़ेगा और आज देखिए पूरे दुनिया में किसी भी फील्ड में जाइए किसी फील्ड में जाइए जो विकसित देश है उसमें भारतीय लोगों का योगदान दर्शन में हमारे करने का मतलब यह है कि हमें बहुत प्रभावित नहीं होना चाहिए कोई अंग्रेज दे दिया तो जर्मन वाला दे दिया तो फ्रेंच वाला दे दिया तो आप सोच लिया सबसे बड़े वो सोचिए आप उनका बहुत इश्नाक होना चाहिए जो मैं पढ़ रहा हूं जो हमारे पढ़ाया जा रहा है जो हमारे कार्य है जो मेरा ज्ञान है वो सर्वोपर पहला आत्मविश्वास दूसरा हमको किसी से मतलब समर्पण पूरा दुनिया परिवार और आने वाले समय में 2030 से हम जा रहे हैं अनित के दौर से सरकार से तो धीरे धीरे लागू होगी अनित के पूरे दुनिया में आप लोग राज करो पूरे दुनिया में देश के रस्ते राज तो क्योंकि हम साइन के बुलाजी में भी पकड़ रख लिए मेंटल पकड़ रख लिया जो लोकल हमारे जो प्रोडक्ट है जो स्थानीय कला है जो है उस पर भी पकड़ कर रहे हैं विश्वास कर रहे अब देखो नहीं आज के डेट में इजराइल को छोड़ दीजिए जापान को छोड़ दीजिए एशिया को छोड़ दीजिए जो हमारे नौ मित्र देश हैं जो डेवलप कंट्री में आते हैं उनका उनको छोड़ दीजिए ताकि किसी जरूरत नहीं खाद्यान्न में बाद में बोल चुके हैं समय का था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास और विकास किया एक गलत इतिहास में पढ़ाया जा रहा है एक बहुत दिन तक आज चलने वाला है इसलिए सब लोग जानते हैं बच्चा जानता है हर व्यक्ति जान गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो कि हमको इतिहास गलत पढ़ाया जाता है हमें इतिहास गलत पढ़ाया जाता है या गलत बढ़ाया जा रहा है एक जनभावना अंदर से आंतरिक रूप से एक तैयार होगी इस पार करने की चीज जरूरत है एक ही आदमी को लोगे तो बहुत है वो हम ही कर देते हैं अच्छा काम करना सर में तभी कर देते आप लोग को दीजिए लेकिन ऐसा काम अगर आपको सुना हो जा तो कुछ भी ज्ञान जानकार नहीं इतिहास की जानकार नहीं आप लोग हम और हमारा विश्वविद्यालय में अगर ये पूछा जाए
इसको पहला नंबर देंगे तो हम आज गाड़ी को सीमा मिली को इसी कॉलेज से हमारा साथ साथ का इतिहास बदल जा रहा है। इसी से हमने कुछ दिन पहले राजस्थान दिवस बहुत व्यापक स्तर पर मनाया। इसी विवाह से बागड़ बोलते हैं ना, बागड़ बागड़ जन का इतिहास और ज्ञान की भाषा बोली किया गया, नवाचार होते रहे और पब्लिक इंप्रेशन हो रहे और यही आपसे अपेक्षा। तो सीमा मलिक जी का और उनके जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनके सहयोगी हैं और पूरे कॉलेज को, पूरे कॉलेज की हम आपके कार्यों की सराहना करते हैं। और यदि आप लोग हाँ करें तो इस सवाल का नाम हम उधम सिंह सवाल करें। उधम सिंह सवाल और इसी तरह ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते रहिए तो हम एक एक दस का नाम कॉल करते रहे। सही उधम सिंह, सही उधम सिंह सभागार या संग्रहालय को कर लीजिए। और अंत में इस समय पूरे दुनिया पर संकट है और उस संकट को हमेशा ध्यान में रखिए और इस विद्यालय को क्या एसओपी पालन करना है, हमारे लिए क्या है, इस अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा वो तो हम पालन कर ही नहीं दिख रहा है, उससे बचिए। और ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं उनकी होती रहे और इस तरह का कार्यक्रम होता है और एक अच्छा सुंदर सभागार ये बन गया, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। क्योंकि दो महीना पहले आपने दिखाया था तो इनको किशोर था, किशोरी था ना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः हम शर्मा जी का जो अपने विश्वविद्यालय के तरफ से अभिनंदन करते हैं और आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप इसी तरह अपने नया नया ज्ञान लाइए, जो ज्ञान जो इतिहास छिपा हुआ है जिसके बोलने की लोग हिम्मत नहीं करते हैं वो इतिहास लाइए, हम लोग उसका प्रचार प्रसार करेंगे। और विश्वविद्यालय आपका अभिनंदन करता है और स्वागत स्वागत करता है और विश्वविद्यालय आपसे अपेक्षा भी करता है, अनुरोध भी करता है इसी तरह हमारे बीच आकर के और हमारा प्रोत्साहन करें। सभी लोग तो पुनः नए सभागार के लिए बधाई देते हैं, धन्यवाद। मैं भी दरिया हूँ, मुझे अपना हुनर मालूम है जिस तरफ चल करूं रास्ता हो जाएगा। हमारी माननीय कुलपति महोदय, इनकी निर्णय लेने की क्षमता और जो सकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमें प्रभावित करती रहती है उसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इतिहास के अंदर जलिया वाला बाग को एक इकाई के रूप में सम्मिलित किया जाए, इस सभागार को शहीद उधम सिंह सभागार का नाम दिया जाए, सर के त्वरित निर्णयों का और आत्मविश्वास का भी परिणाम है जिसमें हम हमारे विश्वविद्यालय में सकारात्मक होते कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की इस कड़ी में मैं हमारे महाविद्यालय के डॉक्टर श्री पी एस डॉक्टर पी एस राजपूत सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे सभी का आभार है। और शहीद शहीद हम सभागार
सबसे पहले मेरा आभार और नमन लोगों को और सभी शहीद हुए हमारे जिन्होंने हम आजादी दिलाई ऐसे वीर सपूतों को नमन दी खंडो इच्छा नमन दी गौरव देना मेरा उनको सत्सद नमन उनके कारण से आप पूरे आभार एहसास ले पा रहे हैं जलिया वाला बाग हत्याकांड में जितने भी लोग शहीद हुए हैं अगर वास्तव में आप ऐसा सुनिए तो बता रहे हो जो पंद्रह पंद्रह फीट की रफ्तार उन्होंने हमेशा तन मन धन से हर प्रकार हमें उसकी हम जुड़ जाते हैं
का कौन सा अच्छा वक्ता मिलेगा, किस वक्त को लेकर आना, उन सभी का भी बहुत बहुत आभार। हमारे टेबल भी बनना प्रोफेसर जगरू साहब, प्रोफेसर धीरज शर्मा जी, प्रोफेसर कल्पना मैडम, प्रोफेसर शुक्ला जी, राजू सिंह जी, सारी जी, धोनी मैडम, प्रोफेसर नक्षी मैडम, जो लोग भी हमारे पास आए हैं और जिन्होंने यहाँ पर हमें छुट्टी में धन्यवाद काम किया। हमारे उम्र 10 साल में तो फिर धन्य है जिन्होंने और भी आने वाले प्रोग्राम करते हैं। आप सभी लोग ने यह कार्यक्रम को सफल बनाया, अच्छे से संचालन किया, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राजपूत जी। इस कार्यक्रम को ऑनलाइन करने में हमारे सहयोग देने वाले विज्ञान विभाग के निदेशक विनाश पवार सर, अजय अतिवाल जी और प्रीतम जी को भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ राष्ट्र भाव से खड़े हुए हर क्रांत दर्शी का दिमाग हूँ, हर दमन चक्र की तिमिर दिशा में अभिरल जलता चिराग हूँ, मैं क्रांति क्षेत्र क्षणिक सिंह, मैं जलियां वाला बाग। इस कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान से मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप सभी अल्पाहार के